क्षेत्रीय मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र, जो अनुसंधान केंद्र है क्षेत्रीय, वो कहां पर स्थित है हिमाचल का, तो वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के नगरोटा में है। तो ये आपको याद रखना है कि ये मधुमक्खी जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, तो वो कांगड़ा जिला में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की नई सीरीज में, जो कि हिमाचल पुलिस के लिए और साथ में हिमाचल के आगामी जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। रोजाना क्वेश्चंस की भरमार लेकर आऊंगा, जो कि हिमाचल पुलिस की और हिमाचल के किसी भी एग्जाम HPPSC के द्वारा जो हो रहे हैं या होने आगे होंगे, तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को जो है लगाना शुरू कर दें। आज हमारी ये पहले प्रश्न से स्टार्ट हो रही है ये वीडियो। आप 1 से लेकर 50 तक की मैं रोजाना वीडियोस को जो है आपको दूंगा बना बना के, और PDF लेने होंगे तो आप हम विजयपथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन से जो है संपर्क कर सकते हैं और हमसे ये वीडियोस ले सकते हैं। वीडियोस के साथ में इनके PDFs ले सकते हैं। इनके क्वेश्चंस को आप रीड करें बच्चों, नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1864 ईस्वी में शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेज था अधिकारी, उसने 1864 में शिमला को जो है अंग्रेजों की जो है ग्रीष्मकालीन यानी कि उसकी राजधानी बनाया गया था। तो पहले तो ये भी पता लग गया हमें यहाँ से कि 1964 में जो है वो राजधानी यानी कि इसको बनाया गया है अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन, और ये था लॉर्ड लॉरेंस के प्रयत्नों के से द्वारा जो है वो शिमला को राजधानी बनाया गया है। तो ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल, किस राजा का युग नूरपुर के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा ऐसा राजा था जो कि नूरपुर रियासत में या नूरपुर के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है? तो वो है जगत सिंह। जगत सिंह के जो समय काल है उस समय को जो है नूरपुर राज्य के इतिहास का जो है वो स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश के किस राजा ने अपने पैतृक स्थान सुनहाणी को छोड़कर बिलासपुर नगर एवं बद्दी स्थल की स्थापना की? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा है, किस राजा ने जो है बिलासपुर नगर और बद्दी दोनों की स्थापना की है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और राजा दीपचंद जो है वो इसका सही आंसर है। बच्चों नोट करिएगा 1-to-1, दीप चंद। अगला सवाल, 1857 की क्रांति के लिए शिमला में बनाए गए संगठन के संचालन की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? यानी कि 1857 की जब क्रांति हुई है तो उस वक्त जो संगठन था उसकी जिम्मेदारी किसके पास थी? तो आंसर है स्पार्टू से थे राम प्रसाद बैरागी को जो है स्पाटू से, शिमला के साथ में है, सटा हुआ क्षेत्र है, तो वहां से जो ये बिलोंग करते थे उनके पास ये जिम्मेदारी दी गई थी 1857 की क्रांति। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ हुई? तो आपके सामने है कसौली की छावनी से शुरू हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, कसौली छावनी से या सैनिक छावनी से। नेक्स्ट आता है, 1857 की क्रांति के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? 1857 की क्रांति के समय शिमला का डिप्टी कमिश्नर कौन था? विलियम हेंग थे। कौन थे? विलियम हेंग। अगला सवाल, प्रदेश के किन दो क्रांतिकारियों को 3 अगस्त 1857 को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई? तारीखों पर क्वेश्चन आएंगे, तारीखों पर। तो इसका सही आंसर है प्रताप सिंह और वीर सिंह, इन दोनों को जो है
सजा दी गई थी 3 अगस्त 1857 को। अगला सवाल, जुंगा और डांगडरा प्रकार के आंदोलन जो हैं हिमाचल प्रदेश में कहां पर हुए हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जुग्गा और डांडरा जो दो आंदोलन हैं ये कहां हुए हैं? ये बिलासपुर रियासत में दोनों जो हैं आंदोलन हुए हैं। अगला सवाल है, दुम आंदोलन प्रदेश के किस रियासत में हुआ है? तो दुम आंदोलन शिमला के ऊपरी पहाड़ी यानी कि बुशहर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये जो है दुम आंदोलन हुआ है। पछोता आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, कई बार पेपरों में पूछा जाता है पछोता आंदोलन कब हुआ, तो 42-43 में हुआ है। और किसके विरुद्ध हुआ है? तो आंसर है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है पछोता आंदोलन हुआ है। 1930 में प्रदेश के बिलासपुर रियासत में हुए जन आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जन आंदोलन मतलब जनता के द्वारा किया गया आंदोलन। तो डांडरा आंदोलन जो है वो 1930 में हुआ है। एक तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा कब हुआ है डांडरा आंदोलन, 1930 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, 25 अगस्त 1931 को इरविन गांधी समझौते के पर हस्ताक्षर कहां पर हुए? अब गांधी इरविन समझौता हुआ है ये भी आपको याद रखना है 1931 25 अगस्त को, और ये कहां हुआ है? तो आंसर है शिमला में हुआ था। ठीक है जी, कहां हुआ था? शिमला में हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगला सवाल है, कांगड़ा क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह के संचालन के लिए समिति कब बनाई गई? तो इसका सही आंसर है नवंबर 1940 में जो है समिति बनाई गई थी। शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन जो है यानी कि शिमला से कौन से आंदोलनकारी रहे हैं, उन आंदोलनकारियों को भी पढ़िएगा। तो वैसे ही हमारी ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी ही है, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन जो है वो शिमला से किया था। इसी प्रकार से ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस लुधियाना में हुई थी, इसके तत्पश्चात शिमला हिल स्टेट्स हिमाचल रियासती प्रजा मंडल की स्थापना। देखिए सबसे पहले स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो लुधियाना में हुई है, इसके बाद प्रजा मंडल की स्थापना की गई जो कि शिमला हिल स्टेट के नाम से जो है रियासत बनाई गई। तो कौन से वर्ष में की गई थी? तो 1931 में की गई थी, 1931 में इसकी स्थापना की गई बच्चों। अगला सवाल, 1934 में प्रदेश की किस पहाड़ी रियासत ने सर्वप्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने सबसे पहले पंचायती राज कानून बनाया था? तो करेक्ट आंसर रहेगा मंडी। इसी प्रकार से मैं बताऊंगा सबसे बड़ा जो हमारा क्षेत्र है कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी मंडी ही है, विधानसभा क्षेत्र जो लेंगे। अगला आएगा, प्रदेश की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में प्रजामंडल को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनवरी 1946 को किस संस्था की स्थापना की? यानी कि प्रॉपर वर्क करने के लिए उन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर था हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की। ठीक है, तो ये हमारे सवाल 17 हो चुके हैं बच्चों, सभी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और शेयर करिएगा। धामी रियासत, इसी प्रकार से रियासत में जो है धामी गोलीकांड हुआ था, तो कब हुआ था धामी गोलीकांड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जुलाई 1939, बच्चों कई बार ना आप पेपर में जब जाते हो तो आप ईयर याद कर लेते हो कौन से ईयर में हुआ है, मगर HPPSC के एग्जाम्स देने ना आपने, तो भैया तारीख को भी याद रखिएगा 13 जुलाई, क्योंकि तारीख पर भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। बहुत बार हुआ है ऐसा कि तारीखों पर आए हैं। धामी रियासत में प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना
किस वर्ष हुई प्रेम प्रचारणी सभा की? तो आंसर है 1942 ईस्वी में जो है प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, प्रदेश में भाई दो न पाई दो आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन की शाखा थी? तो भाई दो न पाई दो, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आंदोलन जो था बुशहर तथा पहाड़ी रियासतों के लिए क्रांति की मिसाल भी बना है। ठीक है, भाई दो न पाई दो, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के वाला है और साथ में आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषद के प्रस्तावों से प्रभावित होकर सिरमौर में हिमाचल की पहली प्रजा मंडल संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? देखिए, पहली प्रजा मंडल की स्थापना कहां हुई? तो आपका आंसर होना चाहिए सिरमौर। और किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित राजेंद्र दास के द्वारा यह गठन किया गया। क्वेश्चन ट्विंस में बनता है, डबल क्वेश्चन है, आपने ध्यान से नोट करना है, बनाकर लिखना है। अगला है, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल संस्था के प्रमुख स्वामी पूर्णानंद जी, उन्होंने उनका कार्यकाल कहां पर स्थापित किया गया था? तो इसका कार्यकाल कहां पर स्थापित किया गया था? तो मंडी में जो है, मैंने बताया ना आपको विधानसभा क्षेत्र भी सबसे बड़ा जो है वो मंडी क्षेत्र है, बच्चों याद रखिएगा। इसी प्रकार से हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के प्रथम सम्मेलन मंडी में कब हुआ था? देखिए, इसका मंडी में कब हुआ है सम्मेलन? तो 8 से 10 मार्च तक चला था सन 1946 में ये चला था। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता आजाद हिंद फौज के किस सुप्रसिद्ध सेनानी के द्वारा की गई थी? आजाद हिंद फौज का एक फेमस रहे हैं, ठीक है, सुप्रसिद्ध सेनानी है, सेनानी यानी कि जो उसमें भाग जिन्होंने लिया था, पार्टिसिपेट किया था, वो कौन थे? तो कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो थे। गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 25वां सवाल आ चुका है, भारतीय संघ के में विलय होने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? विलय मतलब समझते होने आपकी, विलय मतलब मिक्स होने के लिए। तो भारतीय संघ में विलय होने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो वो आंसर है ठियोग रियासत जो है वो पहली रियासत थी जो कि भारतीय संघ यानी कि भारत के अंदर जो है वो उसको मिक्स किया गया था। नेक्स्ट, प्रजामंडल प्रतिनिधियों और राजाओं का सम्मेलन बघाट के राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में कहां पर किया गया था? देखिए, प्रजामंडल के अधिकारी थे और राजाओं का सम्मेलन हुआ है तो बघाट में हुआ है, ये जगह का नाम है। और राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में कहां पर हुआ था? तो ये सोलन में जो है 26 जनवरी और 28 जनवरी के बीच 1948 में हुआ था। इसी सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश का नामकरण भी हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश का नामकरण कब हुआ था और किस सम्मेलन में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं तब बच्चों को दिक्कत आती है। 27वां सवाल है, पहाड़ी रियासतों को हिमाचल प्रदेश के रूप में संगठित करने की घोषणा राजा दुर्गा सिंह और प्रजामंडल के प्रतिनिधियों ने कहां से की थी? तो सवाल का आंसर है सोलन से जो है शुरुआत की थी, यही हमारे प्रीवियस सवाल में भी यही था। ठीक है, अगला सवाल, हिमाचल प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट की अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आंसर है शिवानंद रमौल। शिवानंद रमौल को जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट की का अध्यक्ष भी बनाया गया है। नेक्स्ट, 18 फरवरी 1948 को सुकेत रियासत का भारतीय संघ में विलय करने पर सत्याग्रहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर है तो पंडित पदम देव।
फिर से देखिए 18 फरवरी 1948 को सुकेत रियासत का भारतीय संघ में, क्योंकि सुकेत रियासत को भारतीय संघ में न विलय न करने के लिए, नहीं करने के लिए सत्याग्रहियों का, यानी कि जो सत्याग्रह थे जो कर रहे थे ग्रहियों का नेतृत्व किसने किया था, तो वो सबसे आगे थे पंडित पदम देव। नेक्स्ट, शिमला की पहाड़ी रियासतों ने विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो कब किए थे, तो 1948 8 मार्च 1948 को उन्होंने सिग्नेचर किए थे। नेक्स्ट आ जाता है, हमने शिमला हिल स्टेट को मिलाकर केंद्र शासित प्रांत हिमाचल प्रदेश बना दिया है और पंजाब हिल स्टेट में विलय की बात अभी विचाराधीन है, मतलब कि हिमाचल को अलग प्रांत बना दिया गया है और कुछ जो क्षेत्र थे उनको पंजाब में भी जोड़ दिया गया है, इसके लिए विलय करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये किसने कहा, तो इसका सही आंसर है वो है वीपी मेनन ने, ये सचिव रहे हैं और वीपी मेनन इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल, 15 अप्रैल 1948 को पहाड़ी क्षेत्र को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जब हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया तो उसे कौन सा राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि छोटी बड़ी रियासतों को जोड़ा, 30 रियासतें जोड़ी हैं बच्चों, और कब जोड़ी हैं, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। तीन सवाल आ रहे हैं, दो तीन सवाल एक ही सवाल में है, आपको इनको तोड़कर बनाना है, ठीक है। और कौन से नंबर का राज्य बना था, तो ये है हमारे कौन से राज्य का दर्जा दिया गया था, नहीं क्वेश्चन में था 15 अप्रैल 1948 को पहाड़ी क्षेत्र की 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जब हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया तो उसे कौन से राज्य का दर्जा दिया गया, तो केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस का जो है वो दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने पर पहले चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से, चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया है, तो सवाल का आंसर है एनसी मेहता को, जो है हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया तो हिमाचल का जो चीफ कमिश्नर है वो किसे बनाया गया था, एनसी मेहता, ये पहले हमारे चीफ कमिश्नर भी रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रथम पहले ही डिप्टी चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया था, तो सवाल का आंसर है पेडरल मून, पेडरल मून को जो है वो बनाया गया था पहला डिप्टी चीफ कमिश्नर। ये एचएस के अभी एग्जाम हुआ था आगामी, तो उसमें भी इसी प्रकार से यहीं से पूछे गए क्वेश्चंस थे, हम उसी लेवल के क्वेश्चंस को जो है वो आपके साथ लगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हिल स्टेट की 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किस जिले का निर्माण किया गया, कौन सा जिला जो है वो 26 रियासतों 30 में से 26 देख लो बनाया गया, वो है महासू, छोटी बड़ी रियासतें 26 से जो है बनाया गया था महासू को, और बिलासपुर के राजा आनंद चंद ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे, बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी प्रकार से एचपीपीएससी द्वारा, तो सही आंसर है 15 अगस्त 1948 को जो है वो विलय पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इसी प्रकार से बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का पांचवा राज्य कब बना, सही आंसर है 1 जुलाई 1954 को। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में संघ में संविधान सभा के सदस्य किसे बनाया गया, तो सही आंसर है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, यशवंत सिंह परमार को जो है संविधान सभा के सदस्य के रूप में बनाया गया है। अगला है, 1952 में प्रथम चुनावों में 36 सदस्यों की सभा में से किसे कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई, यानी कि जो 36 सदस्य थे मेंबर्स थे उसमें से कांग्रेस के कितने जीते हैं, देखते हैं 28 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को उस वक्त यानी कि 1952 में भी मिली हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कब बने,
तो मुख्यमंत्री तब बने जब हिमाचल जो है अस्तित्व में आया और राज्य बना। तो 24 मार्च 1952 को जो है यशवंत सिंह को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो ये 1956 में, 1956 में जो है वो हिमाचल जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना था। पहले हिमाचल को सिर्फ प्रोविजन में डाला हुआ था, फिर बनाया गया था। मंडी जिला के ठाकुर करम सिंह को किस संस्था के अध्यक्ष के लिए चुना गया है? तो वो चुने गए थे क्षेत्रीय परिषद के लिए, जो है अध्यक्ष चुने गए हैं ठाकुर करम सिंह, जो कि मंडी जिला से जो है संबंध रखते थे। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय परिषद को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कब परिवर्तित किया गया था? तो सही आंसर है 1 जुलाई 1963 को जो है परिवर्तित किया गया था। अगला सवाल है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर डॉक्टर वाई एस परमार के मंत्रिमंडल में कितने मंत्री बनाए गए थे? तो सही आंसर रहेगा 3 ही मंत्री सिर्फ बनाए गए थे। जब ये मुख्यमंत्री बने हैं तो टोटल 3 ही मंत्री और बनाए हैं इन्होंने। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा कब की थी? तो सही आंसर है 31 जुलाई 1970। 31 जुलाई 1970 को जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो है वो दर्जा मिला है, उन्होंने ये घोषणा की थी उस वक्त। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आपको लगाना है, पढ़ना है, नोट करना है। इन्हीं क्वेश्चन से पेपरों में जो है आपको यहां से देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस तक लेकर जाऊं। आप इस सीरीज को जो है वो साथ साथ में लगाना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना कि वो भी अपने सपने को जो है वो साकार कर पाए कि सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। अगले सवाल के साथ चलता हूं। 25 जनवरी 1971 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान से जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश देश का कौन से नंबर का राज्य बना? तो यह था आंसर 18वां पूर्ण राज्य बना है। 18वां पूर्ण राज्य जो है हिमाचल प्रदेश को इंदिरा गांधी के द्वारा जो है वो घोषणा की गई थी 1971 में। ये बहुत से क्वेश्चन है, किसने घोषणा की, कौन सा नंबर का राज्य बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से लगाइए, 1942-43 में ईस्वी में शिमला किस देश में की विवस्थापित राजधानी भी रहा है, यानी कि कौन से देश की थी? तो आपको पता है ये बर्मा की जो है वो राजधानी भी रहा है, टेम्परेरी, जैसे कि तिब्बत की राजधानी इस वक्त मैक्लोडगंज धर्मशाला है। याद रखिएगा, वहां से जो है धर्मशाला से ही हम तिब्बत को चला रहे हैं, याद रखिएगा। अगला है, 1948 में हिमाचल प्रदेश के लिए स्थापित की गई अल्पकालिक सरकार एंड टेम्परेरी के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर रहेगा पंडित शिवानंद रमौल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसद द्वारा हिमाचल राज्य कानून कब पारित किया गया? हिमाचल राज्य यानी कि ये पारित किया गया था 1970 में, इसको पारित किया गया राज्य कानून। अगला अंतिम सवाल आज की इस सीरीज का है, 31 अक्टूबर 1956 को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा को किस एक्ट द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया? तो सही आंसर है स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट के द्वारा जो है वो इसको समाप्त कर दिया गया हिमाचल प्रदेश विधानसभा को। ये हमारी फुल टेस्ट सीरीज है, जो कि स्पेशल 1088 पोस्टों के लिए, जो कि हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए है, फुल कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें हमारी ई बुक्स दी जा रही हैं,
स्पेशल नोट्स दिए जा रहे हैं, वीडियो क्लासेस दी जा रही हैं, टॉपिक वाइज सीरीज दी जा रही हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं 55% ऑफ पर। और डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेट पर जो है वो सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड होंगे, तो बच्चों तैयारी भी हमें कंप्यूटर बेस्ड करनी है, इसलिए हमें ये आपको एप्लीकेशन और ये वेबसाइट आपको पूरा फॉर्मेट के साथ बनाई हुई है। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके फुल कोर्स परचेज कर सकते हैं 55% ऑफ पर। अब आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े, और भी नए क्वेश्चंस के लिए मैं कल फिर से नई वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। को जो है हिमाचल में अस्थाई सरकार का गठन किया गया था। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में प्रथम लोकप्रिय सरकार, लोकप्रिय मतलब जो फेमस सरकार थी, ठीक है जी। और जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की नई सीरीज जो कि हमारे सीरीज चल रही है इस वक्त। महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के जो आगामी एग्जाम्स हैं जो निकल रहे हैं, उन एग्जाम्स की सीरीज चलाई है। और इस सीरीज में हमारी जो वीडियो है ये 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन तक के लिए है। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले इस वीडियो को जरूर देखें जो इससे पहले की वीडियो है। और ये सीरीज जो है वो रेगुलरली आएगी और यहीं से आने वाले समय में जो है आपको प्रश्न देखने को भी मिलेंगे प्यारे बच्चों। और दूसरा, ये हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए भी जो है वो वीडियो स्पॉन्सर्ड है। इसमें हम जो है HPPSC के जितने भी एग्जाम्स हैं, HP TAT के, पटवारी के, एलाइड सर्विसेज के, उन सब को ये कवर अप कर रही है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इसमें जो करवाए जाते हैं क्वेश्चंस उनको आप लगाएं भी। स्टार्ट करते हैं समय ना वेस्ट करते हुए। क्षेत्रीय परिषद को हिमाचल विधानसभा में जो है परिवर्तित करने के लिए जो है लोकसभा ने 1963 में कौन सा एक्ट पारित किया था? क्षेत्रीय परिषद को जो है परिवर्तित यानी कि चेंज किया गया है वो किस एक्ट के अंतर्गत किया गया है? तो वो किया गया है सन 1963 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 1963 के अंतर्गत। किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट के द्वारा जो है ये परिवर्तित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट के द्वारा जो है इसे परिवर्तित किया गया है प्यारे बच्चों। अगला सवाल, किस घाटी को बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है? कौन सी घाटी है जिसे बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है सांगला घाटी। क्या आंसर रहेगा? सांगला घाटी, जो कि किन्नौर में है। सांगला घाटी को जो है हम बसपा घाटी के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध कामरू गांव किस घाटी में स्थित है? तो ये भी सांगला घाटी किन्नौर में ही स्थित है, कामरू गांव। अगला सवाल है, चंबा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चंबा गांव या चंबा जो है वो जिस नदी के किनारे है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, तो नावी के तट पर स्थित होने की वजह से हम इसको रावी घाटी भी कहते हैं। तो चंबा घाटी जो है वो रावी घाटी के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पोंटा घाटी। पोंटा घाटी किस नाम से जाना जाता है? तो पोंटा घाटी को क्याद्रा और दून के नाम से भी जाना जाता है। क्याद्रा और दून घाटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्याद्रा और दून घाटी के नाम से। अगला सवाल है, रौरिक कला संग्रहालय हिमाचल में की किस घाटी में स्थित है? तो ये कौन सी में है? ये कुल्लू में है और कुल्लू के नगर में है। कहाँ पे है? कुल्लू के नगर में स्थित है। नगर वहां का स्थान है, प्रचलित स्थान है, तो वहां पर ये इनका संग्रहालय बनाया गया है, म्यूजियम बना है।
अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में चुकंदर का बीज कहां पर पैदा किया जाता है? चुकंदर के बीज सबसे ज्यादा जो हैं या कहां पर हिमाचल में तैयार किए जा रहे हैं, ये बीजों से जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको भी तैयार करिएगा। आंसर इसका किन्नौर रहेगा। चुकंदर के जो बीज हैं वो कहां पर तैयार किए जा रहे हैं? किन्नौर में तैयार किए जाते हैं और वहीं से इसकी सेलिंग की जाती है। अगला सवाल है, इसी प्रकार से काला जीरा बहुत ज्यादा फेमस है कि काला जीरा जो है वो हिमाचल में कहां पर पाया जाता है? तो वो उसका सही आंसर है किन्नौर और लाहौल स्पीति। किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो है वो काला जीरा पाया जाता है। काला जीरा जो है वो वहां के क्षेत्रों में भी, और एक देसी जो काला जीरा होता है वो वहां पर पाया जाता है उनकी पहाड़ियों में, ना कि बीजा जाता है। तो काला जीरा जो है वो लाहौल स्पीति में वैसे भी मिलता है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में पैदा की जाने वाली कुठ, कुठ एक जड़ी बूटी है, पत्ते की तरह होती है, पालक के पत्ते की तरह बड़ा पत्ता होता है, ठीक है, उसका गुच्छा होता है, तो वो बूटी के रूप में हम यूज करते हैं। तो भारत के से बाहर कौन से देश जो हैं वो इसे उगा रहे हैं और उसका यूज कर रहे हैं? तो अमेरिका है, कनाडा है और साथ में फ्रांस है। तो अमेरिका, कनाडा और फ्रांस जो हैं ये देश भी जो हैं वो कुट की जो खेती है वो कर रहे हैं। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में फल प्रसंस्करण यानी कि प्रिजर्व रखने के लिए जो कारखाना है वो कहां पर बनाया हुआ है? तो इसका सही आंसर है परमाणु, जो कि सोलन में स्थित है। परमाणु सोलन में स्थित है, तो यहां पर जो है वो फलों का प्रसंस्करण केंद्र खुला है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पंचायतों की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो ये था सन 1952 के अंतर्गत की गई है पंचायतों की स्थापना। तो पंचायत अधिनियम 1952 आपने ये लर्न रखना है प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में औदुम्बर जनजाति, कौन सी औदुम्बर जनजाति है? प्राचीन समय में ये दो नदियों के बीच में रहती थी और वो कौन कौन सी थी? तो एक नदी थी ब्यास और दूसरी सतलुज, दोनों के बीच में जो है वो औदुम्बर जनजाति जो है वो अपना निवास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हिमाचल प्रदेश में अस्थाई सरकार, अस्थाई होती है टेम्परेरी सरकार जो है वो कब बनाई गई थी? तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो 1948 में ग श्रेणी का राज्य हमें जो है वो बनाया गया। तो 1948 यानी कि 26 जनवरी 1948 को जो है हिमाचल में अस्थाई सरकार का गठन किया गया था। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में प्रथम लोकप्रिय सरकार, लोकप्रिय मतलब जो फेमस सरकार थी, ठीक है जी, और विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? तो विधानसभा की स्थापना जो है वो हुई थी 1952 में। पहले यहां पे सचिव को बिठाया गया था, फिर गवर्नर को बिठाया गया, फिर मुख्यमंत्री के लिए जो है आगे चला था प्रोसेस। तो पहले जो है प्यारे बच्चों 1952 यानी कि 24 मार्च, आपने याद रखिएगा, जो भी HPPSC एग्जाम्स लेता है उसमें डेट वाइज क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा डेट वाइज क्वेश्चन आने हैं प्यारे बच्चों, तो इसलिए हमें तारीखों के साथ जो है इन क्वेश्चनों को बनाना है, याद रखना है, इसी प्रकार से ये लाभ होगा आपको क्वेश्चंस का। तो 24 मार्च 1952 इसका सही आंसर। केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? हिमाचल को केंद्र शासित यानी कि जो है बनाया गया था यूनिट टेरिटरी, तो वो 1956 में बनाया गया था, नहीं तो हम ग श्रेणी में ही पाए जाते थे। तो 1 नवंबर 1956 तारीख को याद रख लीजिएगा, नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा अच्छे से। अगला सवाल है, ठाकुर करम सिंह को क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, ठाकुर करम सिंह को, तो यह कब बनाया गया था? तो ये 1957 में जो है ठाकुर करम सिंह को क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला सवाल है हमारा, क्षेत्रीय परिषद का हिमाचल प्रदेश विधानसभा में परिवर्तन और लोकप्रिय सरकार का पुनः स्थापना कब की गई थी? तो यानी कि लोकप्रिय सरकार जब बनाई गई थी सन 1963, 1 जुलाई 1963 को जो है वो लोकप्रिय सरकार जो है वो बनाई गई थी। अगला सवाल, पंजाब के पूर्ण गठन पर पंजाब से कांगड़ा इत्यादि क्षेत्र हिमाचल में कब मिलाए गए? यानी कि हिमाचल में जो है विलय किया गया था कुछ क्षेत्रों का,
तो ये कब मिलाए गए थे? सन 1966 में। उन सन 1966 में इनका विलय किया गया पंजाब के क्षेत्रों का। जैसे कि कांगड़ा है, तो कांगड़ा की राजधानी जो थी, यानी कि जो उसका डिस्ट्रिक्ट था, तो वो हमारा कौन सा था? वो हमारा डिस्ट्रिक्ट था गुरदासपुर। तो कांगड़ा का जो कुछ क्षेत्र था वो गुरदासपुर में आता था। हमीरपुर का जो है वो जलंधर में आता था। इसी प्रकार से जो है इसका पूर्ण गठन किया गया सन 1966, 1 नवंबर 1966। प्यारे बच्चों नोट कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना, क्योंकि तैयारी हमें करनी है। क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हो चुकी है, आप इनको वन बाय वन नोट करते चलें और इनको लर्न करते चलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ के लिए फॉलो करें, और साथ साथ में जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, तो आपको इसके पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। 1948 ईस्वी में जब भांगल रियासत को हिमाचल में जो है मिलाया गया था, तो उस समय जो है वहां का शासक कौन था? यानी भांगल रियासत को जब मिलाया गया था तो वहां का शासक जो था वो राजेंद्र सिंह थे। कौन थे? राजेंद्र सिंह थे। ठीक है जी, अगला सवाल है, क्षेत्रीय मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र, जो अनुसंधान केंद्र है क्षेत्रीय, वो कहां पर स्थित है हिमाचल का? तो वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के नगरोटा में है। तो ये आपको याद रखना है कि ये मधुमक्खी जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, तो वो कांगड़ा जिला में है। अगला सवाल, बुंदेलखंड में स्थित चंदेरी के वीरचंद ने जो है सतलुज घाटी में स्थानीय ठाकुरों को हराया था 900 ईस्वी में, तो किस रियासत की स्थापना की थी? तो जब उन्होंने हराया था तो वीरचंद ने, तो उन्होंने बिलासपुर की स्थापना की थी। कौन सी की थी? बिलासपुर की, जिसको हम कहलूर भी बोलते हैं, और वहां की भाषा भी जो है वो कहलूरी है। तो कहलूर यानी कि बिलासपुर, कहलूर राज्य की स्थापना की थी। किसकी की थी? कहलूर राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल का कौन सा जिला बना था? तो ये पांचवा जिला बना है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि बिलासपुर की जो है वो हिमाचल में जो है कब राज्य का दर्जा मिला, तो सन 1954 में मिला है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये पांचवा जिला जो है हिमाचल प्रदेश का ये बनाया गया था। अगला सवाल, नलवाड़ मेला बहुत ही बड़ा मेला होता है, बिलासपुर का मेला है बच्चों, और 1889 में जो है किसके द्वारा चलाया गया था? तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन, साइंटिस्ट थे, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा ये चलाया गया है। और सबसे बड़ा ये पशु मेला है, नोट कर लीजिएगा, हिमाचल का सबसे बड़ा पशु मेला। अगला सवाल है, गुग्गा मेला और मारकंडा मेला कहाँ का है? तो गुग्गा और मारकंडा मेला भी बिलासपुर का ही है। कहाँ का है? बिलासपुर का ही है बच्चों। अगला सवाल, प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है, जिसमें अभी कुछ ही समय में क्रूज को भी उतारा गया है पर्यटक की दृष्टि में, और साथ में अब हाउस बोट्स भी उसमें उतारी जा रही हैं पर्यटकों के लिए। तो गोविंद सागर झील है, ये कहां पर है? तो ये भी बिलासपुर में ही स्थित है। तो हिमाचल की जो सबसे बड़ी झील जो है वो भी गोविंद सागर झील है, मानव निर्मित झील है ये। अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन जो बिलासपुर में है संस्थान, तो ये कहां पर है? तो दियोली में स्थित है। कहां पर है? दियोली में स्थित है। अगला सवाल, बिलासपुर का नलवाड़ मेला सांडू मैदान में लगता था, मतलब पहले क्या होता था, वो सांडू मैदान में लगता था। अब बताओ कि ये जो मेला है, क्योंकि मैदान वो गया डूब गोविंद सागर झील की वजह से, ठीक है, तो अब ये जब डूब गया तो अब ये जो मेला है ये कहां पर लगता है? तो आंसर है लूणू मैदान में। कहां पे लगता है? लूणू मैदान में जो है इसका आयोजन किया जाता है। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण कहां पर स्थित है, यानी कि हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो हिमालय के ये पश्चिमी भाग में स्थित है। प्यारे बच्चों कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में ये स्थित है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, हिमाचल जो शब्द है वो हिम प्लस आंचल से बना है। हिम मतलब बर्फ हो गया, आंचल मतलब यानी कि पर्वत का हो गया, तो पर्वत का अर्थ क्या है? तो वो है बर्फ से ढके पर्वत। किसे? बर्फ से ढके पर्वत।
अगला सवाल, हिमाचल पर्वत सॉरी हिमालय पर्वत का फैलाव कहां से कहां तक है, मतलब हिमालय कहां से कहां तक फैला है। तो आपको मालूम है कश्मीर से ये शुरू होता है और ये बर्मा तक फैला हुआ है और जम्मू से शुरू होकर उत्तराखंड की कुमाऊं की पहाड़ियां, गढ़वाल और सिक्किम, नेपाल, भूटान, असम, नागालैंड तक फैला हुआ है। ये है हमारा हिमालय और हिमाचल हिमालय की ही गोद में बसा हुआ है। और हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश की याद रखिएगा 32 डिग्री और 22 मिनट से लेकर 33 डिग्री और 12 मिनट तक है, और पूर्वी में जो है 75.47 मिनट से लेकर जो है पूर्वी देशांतर यानी कि 79.4 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हिमाचल प्रदेश। इसी प्रकार से भारत का भी क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का जो है वो क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में जो है हिमाचल प्रदेश सॉरी भारत का क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, हिमाचल का भी और भारत का भी क्षेत्रफल कितना है। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से कौन से राज्य जो है वो इससे राज्यों से बड़ा है, यानी कि क्षेत्रफल में जो है हिमाचल बड़ा है और दूसरे छोटे हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, केरला, ये सभी के सभी जो हैं राज्य जो हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि में हिमाचल से छोटे हैं। अगला सवाल, शिवालिक पर्वत का प्राचीनतम यानी कि शिवालिक पर्वत को जो है पुराने यानी कि पुराना नाम क्या है, तो मैनाक पर्वत है। क्या नाम है? मैनाक पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। अगला सवाल, शिवालिक या लघु हिमालय, मतलब शिवालिक बोल लो बच्चों या लघु हिमालय, तो आपको पता होना चाहिए कि शिवालिक की जो है वो 350 से लेकर जो है 1500 मीटर के बीच में ऊंचाई है, और ये श्रृंखला कहां से कहां तक फैली है, तो ये मैं बता दूं आपको, सिरमौर है आपका, हमीरपुर है, बिलासपुर है, मंडी है, मंडी के निचले क्षेत्र आएंगे चंबा, ऊना, ये सभी इनके निचले क्षेत्र जो हैं वो सभी के सभी काउंट होंगे शिवालिक के अंदर अंदर, तो ये निचले क्षेत्र यानी कि प्लेन एरियाज को गिनिएगा। अगला आता है मध्य यानी कि लघु हिमालय बोलते हैं इसको, मध्य हिमालय मतलब लघु हिमालय, जिसकी 1500 से लेकर 4500 मीटर तक की ऊंचाई है, और ये पुनः श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, तो ये इसमें दो श्रृंखलाएं आएंगी, आपकी धौलाधार श्रृंखला आ जाएगी और चंबा की पीर पंजाल श्रृंखला आ जाएगी। तो दो श्रृंखलाएं हैं, धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखला। अगला सवाल है, बर्फ से ढके रहने के कारण हिमालय पर्वत के किस को किस नाम से जाना जाता है, तो हिमालय को जो है अगर बर्फ से ढका है तो बर्फ यानी कि श्वेत यानी कि बर्फ है, तो श्वेत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर श्वेत श्रृंखला होगा। अगला सवाल, लघु हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है, यानी कि लघु हिमालय में जो है सबसे बड़ी श्रृंखला जो है वो पीर पंजाल श्रृंखला जो कि हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है। अगला सवाल, रोहतांग दर्रा, अटल टनल सभी ने सुनी होगी अटल टनल के बारे में, तो अटल टनल भी रोहतांग दर्रे पर ही बनाई गई है, तो ये हमारी पीर पंजाल श्रृंखला में ही आती है अटल टनल, याद रखिएगा। चुड़धार या चुड़ चांदनी जो कि शिमला में है, तो शिमला के किस भाग में ये स्थित है चुड़धार, तो ये है शिमला के दक्षिणी भाग में स्थित है, इसका सही आंसर है शिमला के दक्षिणी भाग में चुड़धार और या चुड़ चांदनी के नाम से जो है ये फेमस है। अगला है, बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला समुन्द्र तल से लगभग कितनी हाइट पर है, तो ये 4500 से लेकर 6000 मीटर तक की हाइट जो है वो कवर अप करती है। अगला सवाल है, जास्कर पर्वत श्रृंखला हिमालय की श्रेणी में अवस्थित है, तो ये हिमालय के जास्कर जो श्रृंखला है वो किस में आती है, तो वो आती है हमारे बृहद हिमालय में काउंट होती है, तो किस में आती है जास्कर पर्वत श्रृंखला, बृहद हिमालय के क्षेत्र में।
अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो शिला है, जो कि 7025 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 7025 के मीटर पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे हिमाचल की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? वो है फार रिबा फार ग्योल, जो कि 6,790 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन से लर्न होने चाहिए, दिमाग में बैठे होने चाहिए, फिर क्यों नहीं होती है तैयारी प्यारे बच्चों। लाहौल में चंद्रा नदी की पुष्टि करने के लिए बड़ा शिगड़ी हिमनंद है, वो कितना लंबा है? तो हिमनंद जो है बड़ा शिगड़ी वैसे भी सबसे बड़ा है, ठीक है जी। हिमनंद मतलब यानी कि ग्लेशियर की बात की जा रही है, ग्लेशियर सबसे बड़ा जो है वो कितना बड़ा है? तो वो 25 किलोमीटर की जो है वो बड़ा है, 25 किलोमीटर उसकी लेंथ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार से जो है कुल्लू में सुप्रसिद्ध है आपका द्योन और पार्वती हिमनंद, ये कितना लंबा है? तो ये है 15 किलोमीटर। कितना है? 15 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। इसी प्रकार से लाहौल में मुकिला और म्यार हिमनंद है, लाहौल के हैं ये, नाम आता है तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये ग्लेशियर। तो ये इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी 12 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी है प्यारे बच्चों? 12 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन रहेगा। 99 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि हिमाचल प्रदेश का जो है औसतन समुद्र तल से जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी है 350 से लेकर 7000 मीटर तक। सबसे हाइट पर है ये लगभग हमारे यहां पर, वैसे 6000 भी मैंने बताया था आपको, हम जो है वो 7000 तक लेकर चल रहे हैं, 350 से 7000 मीटर की हाइट रहेगी। आखिरी सवाल आज की इस क्लास का, बगड़, ठीक है, बगड़ घास जो है वो अखबारी घास है, ये कागज बनाने के काम भी आती है, ठीक है जी, और पशुओं के लिए भी चारे में भी हम यूज करते हैं। तो प्रदेश में कहां पाई जाती है? तो मैक्सिमम जो है ये प्लेन और गर्म स्थानों में है, जो कि बिलासपुर और ऊना में पाई जाती है। तो ये है हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि हमारे आज की सीरीज के 100 क्वेश्चन पूरे हुए। इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो है आपके लिए स्पेशल, वो है फुल कोर्स हिमाचल पुलिस की भर्ती की तैयारी के लिए। 55% ऑफर चल रहा है, आप इसको देख सकते हैं, इसका ट्रायल देख सकते हैं। और ई बुक्स, स्पेशल नोट्स, वीडियो क्लासेस, टॉपिक वाइज सीरीज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज vijaypatheducation.com पर जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में 1088 पोस्टों के लिए जो है वो आवेदन मांग लिए गए हैं, जो कि 31 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिलअप भी हो रहे हैं, तो आप फटाफट अपनी भी तैयारी कर सकते हो प्यारे बच्चों। और साथ साथ में जो है हमारे साथ इसी प्रकार से इस वीडियो के साथ जो है वो जुड़े रहिएगा। और आज की जो है आपको क्लास कैसी लगी जरूर मुझे मैसेज करिएगा और कमेंट करिएगा। अपना खास ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। औली में 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सनावर स्कूल जो है उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे सेंट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास, और आज की क्लास है महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉप 100 से लेकर 150 तक के प्रश्न, जो कि हमारे HPPSC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, और ये कवर करते हैं HPPSC के एग्जाम्स को, HP टेट, हिमाचल प्रदेश पटवारी और एलाइड सर्विसेज के। सभी क्वेश्चंस जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आगामी एग्जामों के लिए। तो आप 1-to-1 जो हैं इन क्वेश्चंस की वीडियोस को देखें और इन क्वेश्चंस को लगाएं। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कौन सा दर्रा कुल्लू और कांगड़ा के बीच है? तो कांगड़ा और कुल्लू के बीच जो दर्रा है वो है दुलची। कौन सा है? दुलची दर्रा जो है वो कांगड़ा और कुल्लू के बीच स्थित है। अगला है, प्रदेश की प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियों के नाम बताने हैं आपको,
वो कोई भी फैक्ट्री आपसे पूछी जा सकती है कि जैसे कि अंबुजा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है तो वो कहाँ पे है, दारला घाट सोलन में है, ठीक है जी। इसी प्रकार से ब्रह्माणा में है हमारे एसी सीमेंट की है, तो एसीसी सीमेंट की कौन कौन सी है, देखिए ब्रह्माणा में एसीसी सीमेंट की बिलासपुर में आता है, अंबुजा दारला घाट मैंने बताया, सीआईआई राजवन सिरमौर में है, सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी जो सीमेंट फैक्ट्री है बच्चों वो कौन सी है, तो वो भी आपको याद रखना है, सीसीआई राजवन, ठीक है, सिरमौर में, और 1980 में जो ये स्थापित होती है, और एक हरीश है सुंदर नगर में, तो ये प्रस्तापित है, तो ये भी बन रही है, तो ये हमारी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। ऐसे दुलची और प्रजानंद गलू दर्रे कहाँ स्थित हैं, तो ये मंडी और कुल्लू के बीच में स्थित है, कहाँ पे हैं, मंडी और कुल्लू में स्थित हैं। अगला सवाल, रांझा दर्रा, शिव किला दर्रा, कुंजुम दर्रा, तेम्पोला दर्रा, ये सारे दर्रे हैं कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये आपको लर्न करना है। लाहौल स्पीति में, प्यारे बच्चों कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में स्थित है, ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल, कौन सा दर्रा कुल्लू में आंतरिक वो बाहरी सिराज को जोड़ता है, यानी कि कौन सा है आंतरिक सिराज का एरिया और बाहरी सिराज का एरिया, तो वो है जलोड़ी दर्रा। कौन सा है, जलोड़ी दर्रा जो है वो इन दोनों को आपस में जोड़ता है। अगला सवाल है, शिगुर दर्रा और इंद्रहार दर्रा किन किन स्थानों के बीच में है, तो ये है कांगड़ा और भरमौर, इसके बीच में है, कांगड़ा और भरमौर के बीच में स्थित है। नेक्स्ट आता है, सुप्रसिद्ध रोहतांग दर्रा किन किन जिलों को जोड़ता है, यानी कि रोहतांग अगर आप याद हो तो कुल्लू मनाली जाते हैं तो बीच में आते हैं अटल टनल, और अटल टनल के दूसरी साइड निकल जाते हैं तो वो है लाहौल स्पीति, तो मनाली जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसलिए कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। आप लर्न रख सकते हैं, दिमाग में डाल सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला है, कुल्लू की प्रसिद्ध चोटियां कौन कौन सी हैं, जो जो हैं, जैसे पिन पार्वती चोटी है, ठीक है, और श्रीखंड है, ये रहा श्रीखंड, छितियार है, उमाशिला है, परांगला है, पतालसू मेवा, ये सभी देव टिब्बा, ये सभी हैं, डीपी बोकरी पैरामिड है, ये सभी पेपर में आने वाली हैं, तो पूछेंगे क्या पेपर में कि जैसे कि मेवा कानिंदुनु ये कहाँ की है प्रसिद्ध चोटी, तो कुल्लू आंसर आ जाएगा। शितधार कहाँ की प्रसिद्ध चोटी है, तो कुल्लू आंसर आ जाएगा। यहां से कोई भी चोटियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखने। अगले सवाल है, लाहौल स्पीति की जो है, जैसे मैंने आपको बोला कुल्लू की है, वैसे लाहौल स्पीति भी की भी देख लीजिए, एक श्रृंगला है, मुरांगला है, हरगाणा है, शलतुदापार है, लदाब लंगला है, गेफांग गो है, मुकर बे है, शिकर बे है, सिंगलरला है, और मूल किला गेफांग है। ये जो गेफांग वगैरह इस टाइप के लाल लाल जिसमें लगा होता है, ये समझ लीजिए कि लाहौल स्पीति से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला सवाल है, चोलांग चोटी, देखिए अभी से आ गया, चोलांग चोटी कहाँ पर है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अगर क्वेश्चन आते हो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए साथ साथ में आंसर दे सकते हैं। ये धौलाधार श्रृंखला पर है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, चोलांग चोटी। अगला सवाल है, मैनी रैंक चोटी कहां पर है, मैनी रैंक चोटी कहां पर है, तो ये है आपकी स्पीति में, लाहौल स्पीति में, स्पीति जगह पर जो है मैनी रैंक चोटी पाई मिलेगी आपको। अगला सवाल है, प्रदेश की सबसे बड़ा ग्लेशियर शिगड़ी जो है वो किस नदी पर है, बड़ा शिगड़ी जिसकी बात कर रहे हैं हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो वो किस नदी पर स्थित है, वो है चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर स्थित है, ये इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से किस वर्ष सबसे वर्ष बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के पिघलने के कारण जो है चंद्रताल झील का, मतलब चंद्रताल झील जो है वो बड़ा शिगड़ी के पिघलने से बनी है, तो वो कौन से साल में बनी है, वो है सन 1936 में, प्यारे बच्चों ये जो है चंद्रताल झील बनी है। अगला सवाल है, चंद्रा घाटी के लाहौल स्पीति क्षेत्र के सुप्रसिद्ध ग्लेशियर कौन कौन से हैं, यानी कि जैसे कि छोटा शिगड़ी हो गया, और कुलती हो गया, पाचा हो गया, बोलूनाग हो गया, और शामुद्री हो गया,
ये इसके जो है चंद्रा घाटी के यानी कि लाहौल स्पीति में जो है मेन फेमस जो है वो ग्लेशियर है। अगला आ जाता है भागा हिमनंद कहाँ पर है। जैसे चंद्रा और भागा नदियां हैं, वैसे भागा हिमनंद यानी कि हिमनंद मतलब ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा आपका लाहौल स्पीति में। कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। ऐसे नेक्स्ट आता है बिलासपुर रामपुर भावा, भावानगर है ठीक है, स्थान किस घाटी पर स्थित है या कौन सी घाटी में आते हैं, तो ये आते हैं बिलासपुर यानी कि सतलुज नदी के किनारे है, सतलुज घाटी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल है किस घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है सरसा घाटी। कौन सी घाटी है? सरसा घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल परमाणु बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ प्रमुख औद्योगिक शहर है, ये किस घाटी और किस जिले में स्थित है, तो ये है आपके सोलन में। कहाँ पर है? सोलन में सरसा घाटी, यानी कि सरसा घाटी जो है वो सोलन में है। ऐसे भी याद रखिएगा परमाणु बद्दी जो है ये भी कौन सी घाटी में आती है? सरसा घाटी में आती है। बहुत बढ़िया से आपने ये नोट्स मेंटेन करने हैं। डगराई डकसाई होना चाहिए, डगराई लिखा है डकसाई ठीक है, स्नावर है, कसौली है, बैजा, हरिपुर, नागरी, रामशहर, ये कौन सी घाटी में है, तो ये सभी के सभी जो हैं आपके कौन से में आते हैं? सोलन वाली में ही आते हैं, यानी कि सरसा घाटी में आएंगे। कौन सी घाटी में आएंगे बेटा? सरसा घाटी में ही आएंगे। अगला सवाल कसौली शहर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है मंकी पॉइंट, सबसे हाईएस्ट, जैसे शिमला की जाखू चोटी बोलते हैं सबसे हाई ठीक है, और डलहौजी की जो है वो काला टॉप बोलते हैं ठीक है, वैसे ही कसौली की जो है वो है मंकी पॉइंट। कौन सा है? मंकी पॉइंट बेटा। अगला सवाल हिमाचल प्रदेश के किस शहर में पागल कुत्ते निरोधक वैक्सीन का निर्माण तथा सांप काटने का इलाज किया जाता है, यानी कि सांप किसी को काट जाए तो वहां पे इसका इलाज किया जाता है, पागल कुत्ता काट जाए तो उसकी वैक्सीन तैयार की जाती है, वो कौन सा जगह है? वो है कसौली। कहाँ पर है? कसौली में। अगला है कसौली में 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्नावर स्कूल जो है उसके संस्थापक कौन थे, तो वो थे सेंट लॉरेंस। कौन से थे? सेंट लॉरेंस थे जिन्होंने इसकी जो है स्थापना की थी स्नावर स्कूल की। सवा और जसवा दून घाटी कौन से जिले में स्थित है, यानी कि सवा और दून यानी कि ये आता है हमारा पंजाब का एरिया, यानी कि ऊना। ऊना इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। कौन सा है? ऊना। अगला सवाल है चौंतरा घाटी यानी कि जोगिंद्रनगर के साथ बात कर रहे हैं, मंडी जिले में कहाँ पर स्थित है, तो मैंने आपसे पहले आंसर दे दिया है जोगिंद्रनगर के साथ में सटा हुआ क्षेत्र है चौंतरा, तो ये बहुत ही फेमस स्थान जो कि हमारे तिप्तियन की वजह से फेमस होता है, वहां पे यूनिवर्सिटीज है उनकी। सवा घाटी कहाँ पर स्थित है, उसका मुख्य शहर कहाँ पे है? सवा घाटी यानी कि हमारे ऊना के साथ ही लग रहा है, तो ये अंब, गगरेट, दौलतपुर, अंबोटा, मुबारकपुर, हरोली और संतोषगढ़, ये इसके मेन मेन शहर हैं जो इसके अंतर्गत यानी कि सवा घाटी में आते हैं। नेक्स्ट आता है पब्बर घाटी कहाँ पर स्थित है, पब्बर घाटी यानी कि पब्बर नदी के ऊपर बनी हुई है, और पब्बर घाटी जो है पब्बर नदी का नाम भी रखा गया है वहां पर, और कौन सी इसमें आता है, तो ये है हमारे रोडू में जो कि शिमला के साथ सटा हुआ क्षेत्र है रोडू। अगला आता है पब्बर घाटी का उद्गम स्थल कौन सी चोटी से है, तो ये पब्बर घाटी जो है उसका उद्गम जो है वो चांसल चोटी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? चांसल चोटी से ये बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस है। अगला सवाल किस घाटी को अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा जाता है, यानी कि कौन सी घाटी है जिसे हम अध्ययन करने के लिए तो उसको 5 भागों में डिवाइड करके हम बनाएंगे, वो है हमारी पब्बर घाटी। कौन सी घाटी है? पब्बर घाटी को ही हम 5 भागों में बांटकर स्टडी की जाती है इसकी। अगला है स्पून घाटी कहाँ पर स्थित है, तो स्पून घाटी जो है वो है बच्चों सोलन में स्थित है। कहाँ पर है? सोलन में स्थित है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही बढ़िया है। हिमाचल की जो है कौन सी घाटी बेमौसमी सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा जो बेमौसमी यानी कि जब हम अरे यहाँ पर
सब्जियों का थोड़ा सा कम होता है झुकाव, तो वहां पर गोभी हो जाती है, ठीक है जी, या भिंडी लग रही है, कोई अलग अलग प्रकार के जो हैं सब्जियां लग रही हैं, तो वो है हमारी स्पोन घाटी। कौन सी घाटी है? स्पोन घाटी इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल है, कुनिहार घाटी कहाँ पर स्थित है? तो कुनिहार घाटी जो है वो सोलन में स्थित है। कुनिहार घाटी कहाँ पर है? सोलन जिले में स्थित है। अगला सवाल है, अंबुजा सीमेंट प्लांट घाटी कहाँ पर है? अंबुजा सीमेंट प्लांट की घाटी कहाँ पर है? तो ये भी हमारी सोलन में आती है, गब्बर घाटी में आती है। कौन सी घाटी में आती है? गब्बर घाटी में आती है। सोलन में स्थित है अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री, ये समझ सकते हैं। स्वामी उद्योधन योग आश्रम और आयुर्वेदिक शोध संस्थान कहाँ पर है या कौन सी घाटी में है? तो ये भी इसका सही आंसर क्या रहेगा बच्चों? गब्बर घाटी। कौन सा आंसर रहेगा? गब्बर घाटी, तो ये इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, कुल्लू में रूपा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है रूपा घाटी जो चांदी के खानों के लिए, किस चीज के लिए है? कुल्लू में है चांदी के खानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, कुल्लू के प्रसिद्ध स्थल बताइए, यानी कि कौन कौन से मेन मेन फेमस स्थान है? आपको पता है नग्गर, क्योंकि रॉडिक कला संग्रहालय है नग्गर में, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। हडिम्बा माता मंदिर है वहां पर, तो विशिष्ट है, और राम जी का मंदिर है, अटल टनल है, ये सारे कुल्लू के प्रमुख घाटी में आएंगे। बल घाटी कहाँ पर स्थित है? तो बल घाटी जो है वो मंडी के सुंदरनगर में है। अभी हाल ही में वहां पर जो है बाढ़ आई थी और पानी से बहुत ज्यादा त्रासदी हुई, घरों में लोगों के पानी घुस गया, बहुत ही मतलब भयानक मतलब मंजर होता है बच्चों, ठीक है जी। अगला सवाल है, बल घाटी में फल व सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत जर्मन कृषि परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई? यानी कि कौन से साल में ये बल घाटी में कृषि परियोजना के लिए जो है प्रोत्साहन दिया गया है? सन 1962 में, 1962 में जो है इसको प्रोत्साहन दिया गया था। अगला सवाल, प्रदेश के किस मंदिर में 50 ग्राम गेहूं का दाना डिबियों में सुरक्षित रखा जाता है? तो ये है मलेश्वर मंदिर है, जो कि मलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? मंडी में। कहाँ पर है? मंडी में स्थित है, तो इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल है, किस क्षेत्र के प्रांत कालीन भोजन को कुनिहारी दोपहर के भोजन को दोपहरी राज के रात के भोज को ब्याली बोला जाता है? तो ये है इमला बिमला घाटी। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, इमला बिमला घाटी कहाँ पर है? तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? वो है मंडी। तो इमला बिमला घाटी में जो है सुबह के खाने को क्या बोलते हैं? कुनिहारी। दोपहर को खाने को बोलते हैं दोपहरी, और रात के खाने को बोलते हैं ब्याली, इमला बिमला घाटी। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट सवाल है, बंगाल घाटी, बंगाल समझते हैं बड़ा बंगाल की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे बीड़ बिलिंग के साथ आता है, ठीक है। और तो ये किसको जोड़ता है या किसके बीच में है? तो ये है धौलाधार और पीर पंजाल, दोनों के बीच में स्थित है ये हमारा श्रृंखला, जो कि बंगाल घाटी है। नेक्स्ट आ जाता है, सांगला या बसपा घाटी कहाँ पर स्थित है? सांगला घाटी जो है वो किन्नौर में स्थित है। कहाँ पे है बच्चों? किन्नौर में स्थित है। अगला सवाल, सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव यानी कि छितकुल है। बहुत से लोग जो है पर्यटक इस स्थान पर जाते हैं और वहां से सेल्फी डालते हैं, तो आप भी जाएंगे तो जरूर सेल्फी और टैग करिएगा विजयपथ के साथ, और छितकुल आप अगर आप गए हैं तो भी बताना वहां की कुछ यादें अपनी। और ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं, और हम प्रीवियस सभी क्वेश्चंस को ले रहे हैं HPPSC के, कि आपके पेपरों में जो है वो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। सुप्रसिद्ध चुग शागको दर्रा जो है वो कहां पर है? ये भी सांगला यानी कि वसपा घाटी में ही स्थित है। बहुत ही सिंपल सवाल हो रहे हैं बेटा, इससे सिंपल कुछ नहीं है, सब सिंपल है, बस आपको दिमाग में रखना है लाहौल स्पीति घाटी में स्थित सुप्रसिद्ध ताबो गोमा जो है वो कहाँ पर स्थित है, कब हुई, स्थापना कब हुई है? तो 996 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 996 में हुई है, जो कि 1000 वर्ष में हुई है, ठीक है। कब हुई है? 996। अगला है सुप्रसिद्ध
पांगी घाटी कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये है चिनाब नदी के स्थित, मतलब साथ में, तो के किनारे पर सुप्रसिद्ध पांगी घाटी चिनाब, ऐसे चंबा में आता है। काले पानी की संख्या से विख्यात घाटी कौन सी है जो कि वर्ष भर 8 महीने से लदी रहती है, बर्फ से ही भरी रहती है? वो है हमारी पांगी घाटी, जो कि चंबा में स्थित है। बच्चों कहां पर है? चंबा में स्थित है। अगला है, पांगी घाटी के अधिकतर निवासी किसके अनुयायी थे, किसकी पूजा करते थे? तो ये है हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों की पूजा करने वाले स्थान पर जो हैं आपको मिलेंगे। अगला है, पांगी घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में रहने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी किस जाति से संबंधित हैं? तो वो है मंगोलियन। कौन सी जाति के हैं? मंगोलियन जाति से जुड़े हुए हैं। कौन सी जाति से? मंगोलियन जाति से जुड़े हुए हैं। अगला है, फुलहण चीणे भरसे स्यूल कोदरा तथा बजरभंग क्या हैं? ये सभी के सभी जो हैं पारंपरिक फसलें हैं, ठीक है, और ये हैं रावी घाटी की पारंपरिक हैं। यहाँ की रावी मतलब चंबा के समीप जो भी लगते हैं वहां की ये फसलें हैं। लास्ट सवाल है, चंद्रा घाटी का स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? चंद्रा घाटी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ये सवाल है। वो उसे कहते हैं रंगोली। तो ये हैं हमारे आज के 50 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? अच्छे लगे ना? तो इनको आपने नोट करना है बच्चों, और इनको दिमाग में डालना है, क्योंकि हमें अब कुछ करके दिखाना है। तो आप इस वीडियो में इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और भी मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा और नए से नए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। आप डेली याद करें, वीडियोस को सुने, देखें और बने रहें इसी चैनल पे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास और आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास, जो कि हिमाचल पुलिस की परीक्षा तथा हिमाचल प्रदेश के पटवारी HPPS टैट और अलाइड सर्विसेज के लिए जो है मुख्यतः चल रही है, जिसमें हम 150 से 200 तक के क्वेश्चनों का आज जवाब जो है वो मैं देने जा रहा हूं। तो 50 क्वेश्चन डेली के लगा रहे हैं, तो आज फिर से नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। पहला सवाल ये रहा, लाहौल स्पीति का मुख्यालय केलांग किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मैं बता देता हूं, केलांग। केलांग जो है वैसे भी हाई एल्टीट्यूड पर जो मुख्यालय हैं हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 12 डिस्ट्रिक्ट में से जो केलांग है वो सबसे हाईएस्ट मतलब पोजीशन पर जो कह सकते हैं कि केलांग जो है वो सबसे हाईएस्ट हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति का, और ये और डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में। और दूसरा तांदी, तांदी जगह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है लाहौल स्पीति में, क्योंकि वहां पर चंद्रा और भागा दो नदियां आपस में मिलती हैं। तीसरी बात, मृकुला देवी का मंदिर, ये भी लाहौल स्पीति के उदयपुर में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरा, आपकी सूरज ताल जो झील है वो भी वहीं पे है। तो यहां पर जो है भागा नदी जो है वो सही आंसर रहेगा। आप इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा। त्रिलोकीनाथ मंदिर भी, चलते चलते बता देता हूं, त्रिलोकीनाथ मंदिर भी यहीं पे ही है। चंबा के चुराह घाटी, कोई प्रॉपर जगह नहीं है, घाटी का नाम है चुराह घाटी। और रियासती काल में कितने प्रगणों में बांटे, मतलब कितने में डिवाइड की गई थी? तो 17 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में कितने प्रकार की झीलें पाई जाती हैं? तो हिमाचल प्रदेश में जो है कृत्रिम झीलें भी हैं, आर्टिफिशियल्स भी हैं, यानी कि खारे पानी की झीलें भी हैं, और साथ में आपकी ढालिक तो झीलें भी हैं, जैसे कि ढांचेगत, ठीक है, ढांचेगत हिम झीलें हैं, खारे पानी की प्राकृतिक झीलें हैं, और अवशेष झीलें भी हैं। 5 प्रकार की झीलें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। प्रदेश की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, वैसे मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में भी, अब फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, गोविंद सागर झील है, जो कि बिलासपुर में है, 168
वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है। और मैंने आपको बताया इसमें अब क्रूज को भी उतार दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है चंबा की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, तो खजिया, खजिया नाग के ऊपर जो है खजियार का नाम रखा गया है जिसे हम मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। घंटासुरु झील है, इसी प्रकार से जो है महाकाली झील है, लामा झील है, मणिमहेश झील है, ये सभी झीलें जो है चंबा जिले में जो है वो उपस्थित हैं जी। अगला सवाल है कांगड़ा की प्राकृतिक झीलें, तो कांगड़ा में जो है दो प्राकृतिक झीलें हैं, वो है एक करेरी झील जो कि धर्मशाला के खनियारा से जाता है रास्ता, दूसरी आपकी डल झील जो कि नड्डी में है यानी कि धर्मशाला से ऊपर मैक्लोडगंज के साथ। अगला सवाल है मछियाल के समीप मंदिर, अब मछियाल के पास जो है वो हमारे कौन कौन से मंदिर है, एक संतोषी माता का मंदिर और मच्छिंद्री महादेव मंदिर, ये दो मंदिर है धर्मशाला के पास ही। नेक्स्ट आता है जनश्रुति के आधार पर किस झील से विवाह शादियों के लिए वर्तन मांगने पर सुबह झील में तैरते हुए मिलते हैं, मतलब हम झील के पास जाते हैं और कोई वर्तन की अगर हम आकांक्षा रखें तो वो सुबह हमें तैरते हुए मिलते हैं, ये सुना जाता है या बोला जाता है, तो वो है मच्छिंद्री याल झील, मच्छियाल झील, सॉरी मच्छियाल झील। अगला है कांगड़ा में एकमात्र मानव निर्मित बांध कौन सा है, मानव के द्वारा जो बनाया गया बांध है जो नूरपुर के पास है वो है हमारा पोंग बांध, पोंग डैम, महाराजा रणजीत सिंह बांध भी बोलते हैं, ब्यास नदी के ऊपर ये बना हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, बहुत सही अच्छे मतलब पर्यटन के लिए बहुत ही दृष्टि में बहुत ही बेहतर है। जिला मंडी की प्रमुख झीलें, अब मंडी में आ जाती हैं आपके रिवाल्सर झील आ जाती है, प्राशर झील आ जाती है, कुमारवाह झील है, कुतम भयोग झील है, और प्रासर झील है और सुखसार झील है, ठीक है जी। ये झीलें जो हैं वो मंडी जिला में आती हैं। नेक्स्ट आता है मंडी जिले की प्रमुख झीलों के नाम, तो हो गया प्राशर ऋषि का नाम का मंदिर किसने बनाया था, यानी कि प्राशर ऋषि का यानी कि जो प्राशर ऋषि हैं उनका मंदिर किसने बनवाया था, और प्राशर प्राशर लेक भी है, ठीक है, तो प्राशर जो मंदिर है वो बाणसेन ने बनाया था, किसने बनाया था, बाणसेन के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल प्राशर में किस महीने मेले का आयोजन होता है, तो प्राशर में जो है अषाढ़ के महीने में जो है वो आयोजन किया जाता है। अगला सवाल है जिला कुल्लू के प्रसिद्ध झीलों के नाम बताओ, अब कुल्लू में कौन कौन सी है, भृगु झील है, दशहर झील है, संतोष ताल झील है, ब्यास कुंड झील है, ये सभी हैं, हंसा द्योरी और मानतलाई झील है। नेक्स्ट आता है कुल्लू जिले की सलोसर झील की सफाई का जिम्मा जो है किस चिड़िया द्वारा निभाया जाता है, तो वो है आभी चिड़िया, किसके द्वारा, आभी चिड़िया के द्वारा जो है ये निभाया जाता है। अगला है सरयोलसर झील की आराध्य देवी कौन सी है, तो वो है सलोसर झील की बूढ़ी नागिन, इसका सही आंसर क्या रहेगा, बूढ़ी नागिन जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल कुल्लू के किस मंदिर में हर साल आकाशीय बिजली से जो है वो स्वयं शिवलिंग का निर्माण होता है, स्वयंभू जो है वो बिजली महादेव की बात की जा रही है, वहां पर हर साल बिजली गिरती है शिवलिंग के ऊपर, फिर उसको मक्खन से जो है वो जोड़ा जाता है, ठीक है जी, तो बिजली महादेव का मंदिर, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ऋषि भृगु की तपोस्थली किस झील के समीप है, तो भृगु यानी कि भृगु झील जो कि आपके कुल्लू में है, कहां पर है जी, कुल्लू में स्थित है। अगला सवाल जिला लाहौल की प्रसिद्ध झीलों के नाम, यानी कि अलग अलग है, मैंने आपको अभी भी बताया था चंद्रताल, सूरजताल झील है और नीलकंठ और युनाम सो भी झीलें हैं, ये झीलें भी हमें जो है वो याद रखनी है। इसके बाद आता है बारा लाचा दर्रे के समीप कौन सी झील है, तो बारा लाचा जो दर्रा है वो आ जाता है कैलांग के आगे, यानी कि आपका जसपा जो है और दीपकताल झील है और सूरजताल झील है, तो ये चंद्रताल और सूरजताल और दीपकताल भी बोल सकते हो आप, कौन सी, दीपकताल, ये झील भी इसी के साथ में समीप स्थित है और भागा नदी के किनारे पर ये बनी हुई है, ध्यान से रखिएगा यार।
शिमला जिले की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? शिमला में है चंद्रनाहन झील। कई बच्चे जो है ना ताल से आप चले जाया करो लाहौल स्पीति में बच्चों, और नाहन है नाहन जो, ये चंद्रनाहन और तानू जुब्बल झील ये आपकी शिमला में आती है। ठीक है, अगला आ जाता है पब्बर नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? पब्बर नदी जो है वो चंद्रनाहन झील से निकलती है, रोड़ू के पास है। पब्बर नदी पर ही जो है कई परियोजनाएं भी जो है विद्युत की बनाई गई हैं, तो आप ये याद रखिएगा। अगला सवाल है जिला किन्नौर क्या एकमात्र झील का नाम बताओ? तो किन्नौर में एक ही झील है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों, वो है नाको झील। कौन सी झील है? नाको झील जो है वो किन्नौर में है। नेक्स्ट है प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो रेणुका झील है सिरमौर में। कौन सी है? रेणुका झील सिरमौर में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है सुकेती झील प्रदेश में कहां पर पाई जाती है? सुकेती यानी कि सुकेती रियासत की बात कर रहे हैं तो वो है हमारी सिरमौर में। कहां पर है जी? सिरमौर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन घूम रहे हैं, भाखड़ा बांध का निर्माण किस झील से हुआ है? भाखड़ा बांध यानी कि बांध को बनाया गया है, सतलुज नदी से बनाया गया है। गोविंद सागर झील जो है उस पानी को रोककर बनाई गई है, तो करेक्ट आंसर बिलासपुर में जाइएगा, गोविंद सागर झील के साथ सतलुज नदी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, सुप्रसिद्ध गर्म पानी का जो तीर्थ स्थान है मणिकर्ण, मणिकर्ण मतलब मणिकर्ण की, ठीक है जी, तो पार्वती की गुम हुई थी तो मणिकर्ण नाम रखा, तो पार्वती यानी कि पार्वती नदी इसीलिए उसका नाम रखा गया है जिस नदी में वो गिरी थी, तो पार्वती नदी ही इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है मणिकर्ण में खीर गंगा कसोल विशिष्ट ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये है कुल्लू जिले में स्थित है। यहाँ पर घूमने के लिए जो है बहुत से दूर दूर से जो है वो पर्यटक आते हैं और घूमते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है ब्यास का अन्य पुराना नाम क्या है? तो ब्यास का पुराना नाम जो है वो है अर्जकिया। क्या नाम है? अर्जकिया, और उसको उरिजिस्ट्रा भी बोलते हैं, तरा उरिजिस्ट्रा। नेक्स्ट, किस नदी का प्राचीनतम नाम इरावती है? इरावती किस नदी का नाम है? वो है आपकी रावी नदी। रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो है इरावती। अगला है सप्त सिंधु के नाम से कौन सी नदियां जानी जाती हैं? सप्त सिंधु यानी कि सात नदियां, सतलुज, चिनाब, ब्यास, रावी, झेलम, सरस्वती और सिंधु, ये इन नदियों से जो है देख सकते हैं, तो सात नदियों से, सात नदियों के संगम को जो है सप्त सिंधु कहा जाता है। अगला सवाल आ जाता है सतलुज नदी का उद्गम स्थल, तो सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत में है, राक्षताल से निकलती है, मानसरोवर के राक्षताल से निकलती है। अगला सवाल है स्पीति और बसपा भागा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सतलुज नदी की है, आगे सतलुज नदी से जो है ये मिल जाती है, तो आपको ये लर्न होना चाहिए। स्पीति के बाद सतलुज की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है तेलती नदी, जो है वो सबसे बड़ी नदी है स्पीति की। नेक्स्ट आता है नाथपा झाकड़ी परियोजना, ये सबसे पुरानी नाथपा झाकड़ी परियोजना है और अंडरग्राउंड संजय गांधी परियोजना है। इसी प्रकार से ये कौन सी नदी पर है? तो ये है आपकी सतलुज नदी पर स्थित है बच्चों। अगला सवाल है मंडी जिला के करसोग तहसील के में अमला और बिमला नदियां जो हैं वो किस स्थान पर मिलती हैं? इमला और बिमला जो हैं वो सतलुज नदी से मिलती हैं। कौन सी नदी से मिलती हैं? सतलुज नदी से मिलती हैं, करसोग के पास। अगला है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान के लिए एक भी केंद्र स्थापित नहीं है? यानी कि बाढ़ आने के लिए जो है हमें कोई प्रोविजन नहीं बताया गया है, यहाँ पे सीधा पहाड़ ही चले आते हैं मेरे भाई, है ना। तो ये कौन सा प्रदेश है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश, जिसके लिए कोई भी संसाधन नहीं बनाया गया है। अगला सवाल, सतलुज नदी में बाढ़ का कारण कौन सी नदी है? तो ये है तिब्बत की पारछू झील। तिब्बत की जो है वो पारछू झील जो है उसमें पानी के आने से जो है वो बाढ़ का कारण
बनता है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल, तो ब्यास नदी जो है वो ब्यास कुंड से निकलती है रोहतांग के पास से, यानी कि रोहतांग तर्रा यानी कि अटल टनल को याद रखिएगा, वहीं से ब्यास कुंड से निकलती है। नेक्स्ट आता है सोलंग नाला और कारनी नाला किस नदी के किनारे हैं, जरूर बताइएगा। सोलंग नाला में कई बच्चे आए होंगे मनाली में स्कीइंग करने, तो बताएं कि कौन सी नदी किनारे है, तो ब्यास नदी के किनारे है बच्चों। किस नदी के किनारे है, ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। अगला सवाल, अगला सवाल है ब्यास नदी की सहायक नदियां, जैसे कि आपकी पार्वती आ जाएगी, बिनवा आ जाएगी, बनेर आ जाएगी, सुकेती, पनोड़ी, सोन, समा, फोजल, मनालसू, ये सभी जो दी गई हैं, ये सभी नदियां जो हैं सहायक नदियां हैं ब्यास नदी की। तो सभी ने ये याद रखना है, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है ब्यास नदी मंडी जिले के समीप किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो बजोरा कुल्लू के पास जो है वो प्रवेश करती है। बजोरा कुल्लू कहां पे है, बजोरा कुल्लू के पास आती है। नेक्स्ट आ जाता है ब्यास नदी कांगड़ा और हमीरपुर जिले में की सीमाओं से के साथ छूती है, कहां छूती है, संधोल या जयसिंहपुर, जो भी ऑप्शन आपको आए ये दोनों ऑप्शंस आपकी करेक्ट रहेंगी, संधोल बोलो या जयसिंहपुर, ये दोनों के पास जो है वो मिलन से ही निकलती है ब्यास नदी कांगड़ा जिले में। विशिष्ट गर्म पानी का चश्मा कौन सी नदी पर है, तो ये भी ब्यास नदी पर स्थित है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे, पक्का आएंगे। अगला है ब्यास नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो पार्वती नदी जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इस बार जो बहुत ज्यादा इसमें त्रासदी भी हुई थी। नेक्स्ट आता है कसोल मणिकर्ण जरी, ये धार्मिक स्थल है, ये किस नदी पर है, तो ये भी पार्वती यानी कि ब्यास नदी के किनारे पर ही स्थित है। नेक्स्ट आता है सैंज और तीर्थन खड्डे किसकी सहायक नदियां हैं, तो सैंज और ये सभी अगर आपको खड्डे इकट्ठे याद कर लें तो फिर दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है, ब्यास नदी ही इसका सही करेक्ट आंसर है बच्चों। अगला सवाल, अगला है 1880 में कर्नल रैन ने द हार स्टेट की स्थापना की थी, जो कि वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो वो है रॉरिक कला संग्रहालय, जो कि नगर में है, तो आपको ये याद रखना चाहिए 1880 में जो है ये बनाया गया था। नेक्स्ट, किस वर्ष कैप्टन आर सी ली ने बरदोली में सेब का बगीचा लगाया था, तो वो है 1870 में लगाया था, कब लगाया था, 1870 में उन्होंने लगाया था। अगला सवाल, बाखली और जियोनी नामक खड्डे हैं पंडो के समीप, वो अलग अलग स्थानों पर किस नदी से मिलती हैं, तो पंडो के पास सारी जो नदी आ रही है बच्चों वो कौन सी है, वो है ब्यास नदी, कौन सी है, ब्यास नदी। और आज का 200 नंबर यानी कि 200 क्वेश्चन लास्ट लेकर आया हूं, वो है सुकेती खड, सोन खड, बक्कर खड, धोला, पिंगला, ये किस नदी से मिलती हैं, तो ये सभी नदियां मिलती हैं ब्यास नदी से। कौन सी नदी से मिलती है प्यारे बच्चों, ब्यास नदी से बनती हैं। और ये है आपका आज के 50 क्वेश्चन का वीडियो, और आप इस क्वेश्चंस को लगाइएगा और इनको दिमाग में डालिएगा। अगली वीडियो के साथ मिलूंगा फिर से इसी तैयारी के साथ, तब तक लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। सवाल है सुप्रसिद्ध, ठीक है जी, पौंटा साहिब सिरमौर में है, वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो फिर से वही आ गया सुप्रसिद्ध पौंटा साहिब जो है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी क्लास, और आज की क्लास है हिमाचल प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और इस सीरीज में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 200 से लेकर 250 तक, यानी कि डेली के 50 क्वेश्चन जो हम लगा रहे हैं। तो आज के नए 50 क्वेश्चंस क्या रहेंगे, उनको आप ध्यान से देखिए, नोट करिए, पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो उन क्वेश्चंस को भी लगा लीजिएगा। तो ये 200 से लेकर यानी कि 201 से लेकर 250 तक के क्वेश्चंस हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में
बार बार पूछे जाते हैं और यहीं से ये प्रश्न आने हैं। तो ये मेनली जो वीडियो है वो बन रही है हिमाचल पुलिस, पटवारी, टैट, एचपीपीएससी के द्वारा मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हैं, अलाइड सर्विसेज हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको जो है हमारी नोटिफिकेशंस आती रहे और वीडियोस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं खाएंगे। पंडोह और मंडी नगर के बीच चौहार घाटी के समीप कौन सी नदी जो है वो ब्यास में आकर मिलती है। अगर आपने पौंग डैम सुना होगा तो पौंग डैम के साथ में ही पंडोह जगह आती है, जहां पर जवाहर नवोदय स्कूल भी मंडी डिस्ट्रिक्ट का वहीं पे ही है। तो इसका सही आंसर जो है वो है उल नदी। उल नदी जो है वो पंडोह के पास जो है वो ब्यास नदी में मिलती है। तो इसका सही आंसर रहेगा उल नदी। अगला सवाल है, किस वर्ष ब्यास नदी के जल को सुरंगों द्वारा सतलुज नदी में मिलाया गया, यानी कि टनल बनाई गई है। अगर आपको याद हो तो टनल बनाई गई है पंडोह के थोड़ा सा आगे, तो वहां से टनल के थ्रू जो है वो ब्यास नदी का जो पानी है वो टनल के माध्यम से जो है वो सतलुज नदी में मिलाया गया है। तो आंसर है 1963 में जो है इसे मिलाया गया है। अगला सवाल है, मंडी के संधोल से निकलने के बाद ब्यास नदी किस जिले में प्रवेश करती है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि ब्यास नदी जो है वो मंडी से फिर संधोल जाती है, यानी कि संधोल आती है, तो संधोल आते ही जो है वो कांगड़ा के जसिमपुर के हारसीपत्तन में आकर बॉर्डर लाइन बना देती है, जो कि हमीरपुर जिला और कांगड़ा जिला का बॉर्डर भी होता है। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर जो है वो कांगड़ा है, पर मैंने आपको हारसीपत्तन जसिमपुर के पास बताया है, वहां से ये प्रवेश करती है। नेक्स्ट आता है, त्रिवेणी स्थान पर ब्यास नदी के का संगम जो है वो किस नदी पर होता है। तो ये है बिनवा नदी पर जो है वो इनका संगम होता है ब्यास नदी का। तो बिनवा नदी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, बिनवा नदी। अगला सवाल है, कुनाह खड की सहायक नदियां कौन सी हैं। कुनाह खड जो है वो उसकी जो सहायक है वो है सुकराला, ठीक है, और गसोती। कौन कौन सी है, गसोती, सुकराला और हलची भी है। हलची भी याद रखिएगा, तीन ये खड्डे हैं जो कि कुनाह खड की फेमस खड्डे हैं। और कुनाह खड के किनारे किस ऋषि का जो है वो मंदिर है, वो है मार्कंडेय ऋषि। कौन से ऋषि हैं, मार्कंडेय ऋषि का जो है इसके किनारे जो है वो मंदिर है। पंडोह बांध 14 किलोमीटर है किस नदी पर है। मैंने फिर से वो आ गया क्वेश्चन, उल नदी उससे मिलाई जाती है, वहां से ब्यास नदी को उठाकर हमने सतलुज में भी मिलाया है। तो ये आंसर जो है वो ब्यास नदी के साथ जाएंगे बच्चों, ब्यास नदी। नेक्स्ट आ जाता है, किस नदी का पानी सुरंग और नहरों द्वारा जाकर सलापड़ के पास के समीप डहर नामक जल विद्युत पैदा करके सतलुज नदी में गिराया गया। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, तो ये आप प्रॉपरली याद कर सकते हैं, ब्यास नदी कौन सी है, सलापड़ के पास ब्यास नदी को उठाकर जो है वो सतलुज में मिलाया है। कांगड़ा का पौंग बांध किस नदी पर है। तो कांगड़ा के साथ बॉर्डर बनाती हुई अगर ब्यास नदी जा रही है तो ब्यास ही इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, ब्यास इसका सही आंसर होगा, ब्यास ही नदी है जो पौंग बांध बना है जिसपे। नेक्स्ट आता है, ब्यास नदी के किनारे बसने वाले शहर। अब ब्यास के साथ साथ जो है कौन कौन से शहर हैं, कुल्लू है, मंडी है, फिर पंडोह है, बजोरा है, नदौन है, सुजानपुर टीरा है, देरा गोपीपुर है, बहुत से शहर जो है वो इसके नजदीक नजदीक जो है वो बसे हैं। मेन मेन जो है वो याद रखिएगा, नदौन, सुजानपुर, मनाली, ये सभी जो है, मंडी भी आ जाएगा, ये सभी शहर जो हैं ये ब्यास नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। अगला सवाल है, प्रदेश में 256 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ब्यास नदी किस स्थान पर पंजाब में प्रवेश करती है। तो ये करती है मिर्थल, मिर्थल से जो है वो पंजाब में जो है वो प्रवेश करती है। अगला सवाल है, प्राचीन नाम ईरावती और आधुनिक नाम रावी नदी का स्थानीय बोली में
क्या कहा जाता है? तो रौती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रौती। ठीक है, याद रखिएगा, प्राचीन नाम इरावती है, आधुनिक रावी नदी है, पर स्थानीय नाम क्या है? रौती। नेक्स्ट आता है, किस स्थान पर सयुल नदी तथा रावी नदी का परस्पर संगम, यानी कि दोनों आपस में आकर मिलती हैं? तो वो है लोअर चुराह के जो चेहड़ा नामक स्थान पर जो है वो दोनों आकर जो है वो मिलती हैं। ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट आता है, चंबा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको पता ही है, चंबा में मिंजर मेला भी मनाया जाता है। तो चंबा का जो है मेन फेमस जो है वो है रावी नदी, जो कि उसके तट पर जो है वो स्थित है। नेक्स्ट आता है, हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर बहने के बाद रावी नदी जो है पंजाब में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? तो खैरी नामक, जहां पे चमेरा डैम बना है मणिखेत के पास, वहां से जो है खैरी नामक स्थान है, वहां से जो है ये पंजाब में प्रवेश करती है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, बारालाचा दर्रा से निकलने वाली चंद्रा और भागा नदियों के तांदी मिलने से कौन सी नदी बनती है? तो ये चंद्रा और भागा जब दोनों नदियां आपस में तांदी नामक स्थान पर मिलती हैं, बच्चों वो चिनाब नदी का जो है वो उद्गम करती है, यानी कि वहां से स्टार्ट होती है। तो चिनाब नदी इसका सही आंसर है। अगला है, किस घाटी में एक बैल से हल जोता जाता है? एक ही बैल से जो है हल जोतने की जो प्रथा है, या मजबूरी बोल लो, क्योंकि खेत ज्यादा बड़े नहीं होते वहां के, इसलिए पांगी, पांगी इसका सही आंसर है। पांगी इसका सही आंसर है, एक बैल से जोते जाते हैं। जल घनत्व की दृष्टि से प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर जल घनत्व की बात की जाए, यानी कि डेंसिटी की बात करें, तो चिनाब नदी जो है वो हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है घनत्व में। अगला है, चिनाब नदी पांगी घाटी में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो भुरजिंद के पास जो है वो प्रवेश करती है पांगी घाटी में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, प्रेमी जोड़े सोहनी महिवाल की याद में किस नदी को आशंका दा दरिया कहा जाता है? तो इस वक्त हम चिनाब नदी पर पढ़ रहे हैं, तो इसका सही आंसर भी चिनाब नदी ही होगा। मिलता जुलता आंसर होता है बच्चों। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है, कालिंद पर्वत के यमुनोत्री नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? तो यमुनोत्री, यानी कि कौन सी आ गई? यमुना नदी आ गई। तो ब्यास कुंड से ब्यास आ गई, ऐसे ही ये यमुनोत्री से यमुना आ गई। नेक्स्ट आता है, पब्बर गिरी टोंस बाटा ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी की सभी जो हैं शिमला के आस पड़ोस की नदियां हैं, जो कि यमुना नदी की सहायक नदियों के नाम। अगला है, यमुना नदी सिरमौर की सीमा के साथ बहने के बाद ताजेवाला के पास किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ताजेवाला से जो है ये सिरमौर से जब बहती है तो हरियाणा में प्रवेश करती है। किस में ये प्रवेश करती है? हरियाणा स्टेट, यानी कि मैं प्रवेश करती है बच्चों। अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध, ठीक है जी, पौंटा साहिब सिरमौर में है, वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो फिर से वही आ गया, सुप्रसिद्ध पौंटा साहिब जो है वो है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर है? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगला सवाल है, किस नदी का संबंध पौराणिक सूर्य देवता से है? सूर्य देवता से जो है वो किस नदी का है? वो है यमुना नदी का। किसका है? यमुना नदी का जो है वो संबंध जो है वो सूर्य देवता से है। अगला सवाल है, कौन सी नदी शिमला जिला के जुब्बल के उपड़ नामक स्थान से निकलती है? वो है गिरी नदी। उपड़ नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? वो है गिरी नदी निकलती है। अगला सवाल है, गिरी नदी का नदी पर स्थित ददाहू में कौन सी झील प्रसिद्ध है? ददाहू में कौन सी है? रेणुका झील प्रसिद्ध है। कौन सी है? रेणुका झील जो है वो फेमस है वहां की, तो ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, जटौन में गिरी नदी पर निर्मित विद्युत बांध का उद्घाटन किसने किया था? तो वो थी हमारी प्रधानमंत्री उस वक्त की, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो उनके सुरकमलों द्वारा जो है ये इसका उद्घाटन किया गया। अगला सवाल है, चंद्रनाहन नामक झील को किस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है? यानी कि चंद्रनाहन झील के द्वारा जो है
कौन सी नदी बनी है, तो वो है पब्बर नदी, जो कि शिमला रोडू के पास है। तो पब्बर नदी जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, चिड़गांव के समीप पब्बर नदी पर कौन सा जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, तो आंध्रा नदी पर बनाई गई है और ये इसका नाम भी आंध्रा प्रोजेक्ट है। क्या नाम है? आंध्रा प्रोजेक्ट है। अगला सवाल है, ऊना जिले की किस नदी को द रिवर ऑफ द सोरो यानी कि दुख की नदी के नाम से जाना जाता है। शोक नदी, हिमाचल की शोक नदी भी कहा जाता है, वो है सवा नदी। किसको बोला जाता है? सवा नदी को जो है दुख की नदी भी कहा जाता है। अगला सवाल है, पतीश, अमलतास, रतन ज्योत ये क्या है, तो ये सभी के सभी जो है जड़ी बूटियां हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं, ये जड़ी बूटियां हैं, इनको याद रखिएगा। अगला है, महाशीर, नाउ, कतला, ट्राउट, कार्प आदि ये किसकी कस्में हैं, तो ये ट्राउट यानी कि फिश की बात की जा रही है, मछली की बात की जा रही है, क्योंकि ट्राउट फिश जो है वो आपकी जो है वो ठंडे यानी कि मतलब -0 मतलब डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है वो जीवित रहती हैं, बर्फ के पानी में जीवित रहती हैं, तो इसलिए आइडिया लग जाएगा आपको। प्रदेश में पेयजल संकट को दूर करने के लिए किस वर्ष शांता कुमार ने हैंड पंप लगाने की शुरुआत की थी, उन्होंने पेयजल से बचाने के लिए एक हैंड पंप लगवाने की शुरुआत की, वो की थी 1991-92 में, 1991-92 में। अगला सवाल, नौवीं शताब्दी में चंबा की राजधानी क्या थी, नौवीं शताब्दी में जो है चंबा की राजधानी थी भरमौर, कौन सी क्या राजधानी थी? भरमौर। अगला सवाल है, किस जिले में गुजरों की जनसंख्या जो है या संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो गुज्जर प्रजाति या जनजाति के लोग जो हैं वो चंबा में होते हैं, कहाँ पे होते हैं? चंबा में मिलते हैं, ठीक है जी। फिल्म फिक्की, शादी और छक्की क्या है, तो ये पांगी में जो है मनाई जाने वाली चार विवाह रस्में हैं। क्या है? पांगी प्रदेश में जो है विवाह की चार ये रस्में हैं जो वहां की मनाई जाती है। अगला सवाल है, प्रदेश में निवास करने वाली प्रमुख जातियां कौन सी हैं, तो वो है किन्नर, नाग और कोल, खश, तो ये चार जो हैं वो प्रदेश में ज्यादा मतलब यानी कि निवास करने वाली जातियां हैं। अगला है, आर्यों के बाद प्रदेश में कौन सी जनजातियां अस्तित्व में आई, तो गुज्जर आए, हुण आए, उसके बाद शक आए, बोट आए, क्षत्रिय आए, वैश्य आए, कोली आए, धीरथ आए, शूद्र आए, तो ये सभी जो हैं आर्यों के बाद जो है इस प्रदेश पर यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो है आने वाली जनजातियों का अस्तित्व बना है। अगला सवाल है, प्रदेश में विद्यमान अन्य जातियां कौन सी हैं, तो वो है हाली है, डूम है, ठीक है, चनाल है, बढ़ई है, लोहार है, तूरी है, रेहड़ है, ये सभी जनजातियां हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है, कोल जाति के बाद किस जाति के ने जो है प्रदेश में प्रवेश किया, कोल जाति के बाद जो है वो किन्नर और किरात ने जो है वो प्रवेश किया था। अगला सवाल आ जाता है, किन्नर किरातों के बाद बसने वाली जातियां कौन सी हैं, वो है किन्नर किरात के बाद खश जाति के जो लोग हैं वो ज्यादा बसे थे, ठीक है। किन्नर किरातों की भांति नागों को हिमाचल में परास्त करने वाली जाति कौन सी है, वो भी खश जाति है जिसने इनको परास्त किया था, हराया था। अगला है, बूढ़ी दिवाली कहाँ पर मनाई जाती है, तो ये निरमंड में मनाई जाती है, कहाँ पर मनाई जाती है? निरमंड में मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली। अगला सवाल, भुंडा उत्सव का संबंध किस जाति से है, तो ये भुंडा उत्सव भी खश जाति से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, मुंज नामक घास का रस्सा किस त्योहार के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो मुंज नामक जो रस्सा है या रस्सी है उसका भुंडा उत्सव में जो है का जो काम है लाया जाता है। नेक्स्ट आता है, पशुराम के पिता जमदाग्नि ऋषि का आश्रम कहाँ पर है, तो जमदाग्नि ऋषि का जो आश्रम है वो रेणुका में स्थित, कहाँ पर है?
रेणुका में स्थित है। नेक्स्ट आता है हिमाचल के ब्राह्मणों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, तो वो कौन कौन से हैं? एक आर्य, खश और नाग। कौन कौन से? आर्य, खश और नाग। तो देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। गुजरों का उल्लेख किस कौन सी शताब्दी में हुआ है? तो ये सातवीं शताब्दी में जो है गुजरों का उल्लेख हुआ है। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, प्रदेश के ऊपरी भाग में बसने वाली जातियों के नाम बताएं। तो वो कौन कौन सी होंगी? चनाल, ओली, हाली, रिहाड़, लोहार, तरी और इत्यादि। सभी इस प्रकार की जो जातियां हैं वो ऊपरी भाग में बसने वाली हैं। ये हैं हमारे 250 सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा कोर्स मिल रहा है आपको जो कि हिमाचल पुलिस के लिए है। ये 55% की छूट पर दिया जा रहा है। और फुल कोर्स में आपको बुक्स, स्पेशल नोट्स, वीडियो क्लासेस, टॉपिक वाइज सीरीज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज सभी आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। एक बार आप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर विजिट करें vijaypatheducation.com पर, तो आप 1088 पोस्टों के लिए जो है अप्लाई करें और अपनी तैयारी करें। आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े, आपका धन्यवाद। दोबारा नए वीडियो में लेकर आऊंगा। फिर से अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारी महत्वपूर्ण क्लास जो कि हमारे 251 से लेकर 300 तक के महत्वपूर्ण हिमाचल के किसी भी एग्जाम के लिए, हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जो है हम डेली ये सवाल लेकर आ रहे हैं। और हम फिर से इन्हीं क्वेश्चंस को लगाएंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं वो स्पॉन्सर्ड हो रहे हैं जो कि HPPSC और साथ में HP टैट, HP पटवारी, अलाइड सर्विसेज, इसी प्रकार के जो हैं एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा कि आपके दोस्तों को भी ये वीडियोस मिले और वो भी ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें, उनको भी ये बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाए। पहला सवाल आ चुका है, प्रदेश में लगभग 96% लोग किस धर्म को मानते हैं? हमारे हिमाचल की बात की जा रही है, आपके हिमाचल की बात की जा रही है कि हिमाचल में सबसे अधिक किस धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो इसका सही आंसर है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को मानने वाले जो हैं वो सबसे अधिक लोग हैं। नेक्स्ट, गुज्जर अपना संबंध किस जाति से जोड़ते हैं? वो बोलते हैं कि हम इस जाति से जुड़े हुए हैं, वो है हुण जाति। कौन सी जाति से जुड़े हुए हैं? हुण जाति से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के पहाड़ी लिबास में बुरोहरी टोपी पर क्या लगाया जाता है? तो बुरोहरी टोपी पर जो है मुनाल की कलकी लगाई जाती है, यानी कि उसके पंख लगाए जाते हैं। ये इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, मुर्की, तितली, कांटे, बालियां, गोलाकार चक्र, बालू, चूड़े, हार, झुमके, नथ, टीक, पायल क्या है? तो ये सब आपको पता है हिमाचली औरतों के आभूषण है। क्या है? पहने जाने वाले हिमाचली औरतों के आभूषण है, ये इसका आंसर। नेक्स्ट, करियाला, स्वांग, बांठड़ा और आयरली क्या है? तो ये लोक नृत्य हैं, हिमाचली लोक नृत्य है। नेक्स्ट सवाल है, तोणिन और मंजूरी क्या है? तो ये भी एक व्यक्तिगत नृत्य है। क्या है? व्यक्तिगत नृत्य है। नेक्स्ट सवाल है, खंजरी, करताल, डमरू, देख सकते हैं डमरू, यानी कि ये आपको खुद लग जाएगा था शिवजी का डमरू, ठीक है, नरसिंह और शहनाई ये क्या है? वाद्य यंत्र है। तो किसी भी पूछ से किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं कि खंजरी क्या है, तो ये एक वाद्य यंत्र है। अगला है, घुरेरी, डांगी, घोड़ाई ये लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो ये लोक नृत्य हैं जी चंबा डिस्ट्रिक्ट के, चंबा जिले से जुड़े। अगला सवाल, झट्टी, घुंघटी,
जोली और डोडा पुरुष का नृत्य कहाँ का है? तो ये है हमारे सिरमौर और शिमला से जुड़ा हुआ लोक नृत्य। अगला सवाल है, कुल्लू के पुरुष प्रधान लोक नृत्य कौन से हैं, यानी कि कुल्लू में कौन से जो हैं पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं? तो ये हैं आपके तलवार है और हरण है और कथड़ी है। कई बार आया है ये कथड़ी वाला, तो बहुत बार पूछा है, ये कुल्लू से जुड़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद करिएगा बच्चों। अगला, कांगड़ा के धार्मिक नृत्य में कौन सा से नृत्य शामिल किए जा सकते हैं? तो गुग्गा है, भक्त है, रस है, इस प्रकार के जो नृत्य हैं इन्हें हम कांगड़ा के धार्मिक नृत्यों में जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, देव खेल नृत्य किन जिलों में जो है वो खेला जाता है? वो है हमारी देवभूमि में कुल्लू और साथ में शिमला। तो देव खेल नृत्य जो है वो कुल्लू और शिमला में खेला जाता है। नेक्स्ट, बिंडसू किस क्षेत्र की सुप्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है हमारे पूर्वी सिरमौर और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र जो शिमला का है वहां का ये भाग है, वहां के ये नृत्य है। नेक्स्ट आता है, सिरमौर का सुप्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो बुढ़ाह नृत्य जो है वो सिरमौर से जुड़ा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है, रासा और क्रासा क्या है? तो ये भी रासा और क्रासा एक लोक नृत्य है जो कि सिरमौर जिला से जुड़े हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत बार ये ही पेपर में आते हैं, ध्यान रखिए। किन्नौर में दुरात्माओं को भगाने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, यानी कि दुरात्मा यानी कि प्रेत आत्माओं से बात की जा रही है, तो उसके लिए मुखोटा नृत्य जो है वो किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है बच्चों? मुखोटा नृत्य किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मुखोटा नृत्य के अंतर्गत कौन सा नृत्य शामिल किए जाते हैं, यानी कि लामा नृत्य है, ठीक है, और प्रेम नृत्य है, ऐसे छम्म है, छंगम और तेमो स्वांग, ये सभी लोक नृत्य जो हैं ये मुखोटा से जुड़े हैं। नेक्स्ट आता है, कौन सा बौद्ध लामाओं द्वारा तांत्रिक पद्धतियों द्वारा पर आधारित है? वो है छम बोल सकते हैं या प्रेम नृत्य बोल सकते हैं, ये बौद्ध लामाओं द्वारा यह से जुड़ा हुआ है। अगला है, छम या प्रेम नृत्य का प्रारंभ किस बौद्ध लामा ने किया था? वो था पल्दन, क्या नाम था? पल्दन नाम था ईर्ष, पल्दन ईर्ष बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है, मुखोटा नृत्य छम का मुख्यतः किस उत्सव पर विशेष आयोजन किया जाता है? तो ये नवंबर महीने में जो है वो गुतोर उत्सव में जो है इसका आयोजन किया जाता है। कहां पे किया जाता है? गुतोर उत्सव। नेक्स्ट आता है, फूलचन फूचन नृत्य कहाँ का सुप्रसिद्ध है? तो ये पिन घाटी का है, कहाँ का है? पिन घाटी से जुड़ा हुआ है। बहुत ही डीपली क्वेश्चन आएंगे आपको, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है नृत्यों से जुड़े हुए ज्यादा क्वेश्चन उठाए हैं। लाल डी या संवाद नृत्य कहाँ का है? तो ये कुल्लू की स्त्रियों का है जो दशहरे के दौरान किया जाता है, लाल डी, ठीक है जी। अगला है, करची कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो करची जो लोकप्रिय नृत्य है ये है कुल्लू में, कहाँ का है? कुल्लू का है जी। अगला है, किस नृत्य के साथ स्त्री पुरुष साथ में ही नाचते हैं, मतलब को इकट्ठे नाचते हैं? सो सांगला नृत्य जो है जिसमें पुरुष और स्त्रियां इकट्ठे डांस करते हैं। किस नृत्य में नृतक राक्षसों का घास फूस का लिवास और मुंह पर प्राचीन मुखोटा पहनकर नृत्य करते हैं? तो ये है कुल्लू के फांगली नृत्य है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला है, किस जिले में नाटी को माला नृत्य भी कहते हैं? तो माला नृत्य कहते हैं शिमला के, जो नाटी है उसको क्या कहा जाता है? अन्य नाम है माला नृत्य, शिमला। नेक्स्ट आता है, कुल्लू जिले में चांदनी रात में खरीफ की फसल के बाद किस नाटी पर नृत्य किया जाता है? तो कौन सी नाटी पर किया जाता है? वो है कथड़ी नाटी पे। कौन सी? कथड़ी नाटी पे।
नेक्स्ट आता है चंबा के सुप्रसिद्ध लोक गीतों के नाम बताओ, तो वो अलग अलग हैं, कुंजू चंचलो है, फुलमू राजा है, राजा और गद्दन और लच्छी, भुनकू गद्दी और सुनहरी गीत के जो हैं ये चंबा जिले से जुड़े हुए लोक नृत्य हैं और वहाँ के जो है नृत्य नहीं सॉरी गीत हैं वहाँ के, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, आप नोट करिएगा। नेक्स्ट है घोड़ी विवाह, ये कहाँ पे है, तो घोड़ी विवाह है वो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से है, जब विवाह के समय जो घोड़े पर बैठकर दुल्हा जाता है तब ये गाए जाते हैं। अगला है सोंठियां निया क्या है, तो ये भी बारातियों के लिए जो है गालियों के रूप में उपहास किया जाता है, तो उसे सोंठियां कहा जाता है। दूल्हे के साथ जितने भी आते हैं उनके साथ व्यंग संवाद किया जाता है, मजाक हंसी मजाक को किया जाता है, तब सोंठनिया जो है इसको कहा जाता है। तो कैसा आपको जीके लग रहा है हिमाचल का जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि हर किसी को पता लगना चाहिए हमारे हिमाचल में क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं और अलग अलग विशेषताएं हैं, चाहे लोक नृत्य हो, खान पान हो, चाहे गान हो, हर प्रकार। नेक्स्ट है मंडी जिले के सुप्रसिद्ध लोक गीत कौन कौन से हैं। अब मंडी के जो हैं वो है जिया लाल बंदिए, ठीक है, और मनी रामा पटवारिया, निर्मंडा रिये ब्राह्मणिये, तो इस प्रकार के जो हैं वो लोक गीत जो हैं वो गाए जाते हैं मंडी जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गंगी घबरी बाला और झुंडी कौन से जिले का लोक नृत्य है। अब आपको पता ही है कि ये बिलासपुर से जुड़ा हुआ है, कहलूरी भाषा में है, कहलूरी का है ये और बिलासपुर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला है मोहना कहाँ का लोक गीत है, ये मैं अभी भी बता बैठा हूं, तो मोहना जो है वो बिलासपुर से जुड़ा हुआ है, कहां से बच्चों, बिलासपुर जिला से जुड़ा हुआ। अगला है झंझराड़ा बराड भूख जोरेन टंग क्या है, तो ये विवाह के प्रकार हैं, अलग अलग टाइप्स हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में करिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है युगांतर बर्वन द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये चंबा में ही है, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण के उपरांत चंबा जिले के का सरकारी धर्म क्या घोषित किया गया, वैष्णव धर्म घोषित किया गया, क्या घोषित किया गया, वैष्णव धर्म कौन सा है, वैष्णव धर्म जो है घोषित किया गया। चंबा के वैष्णव मंदिरों में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो वो मंदिर है हरि राय मंदिर, कौन सा है, हरि राय मंदिर जो है वो वैष्णव मंदिरों में जो है इसको गिना गया है। अगला सवाल है रिवालसर झील के पास नैना देवी का मंदिर है, उसका निर्माण किस राजा ने करवाया है, कौन से राजा ने करवाया है, सूरज सेन ने करवाया है, किसने करवाया है बच्चों, सूरज सेन ने से निर्माण करवाया है। अगला है दूधे नाले रा सिंध कहां गाया जाता है, तो ये है मंडी जिला में, कहां पे गाया जाता है बच्चों, मंडी जिला में कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बटुआ नाग की पूजा कौन से जिले में की जाती है, तो बटुआ नाग, तो बटुआ नाग की जो है वो किन्नौर जिले में जो है इसकी पूजा की जाती है। अगला है कथारल धुंड नाग की पूजा कहां पर की जाती है, तो ये भी इसका सवाल का आंसर रहेगा शिमला जिला, कहां पे, शिमला में की जाती है। अगला है सिरमौर के चुड़धार के प्रसिद्ध देवता कौन है, तो वो चुड़धार के जो देवता हैं वो हैं शिरुगल देवता, शिरुगुल देवता, कौन से बेटा, शिरुगुल देवता है। नेक्स्ट बिंडस गान किस देवता की स्तुतियों में गाया जाता है, तो ये महासु के देवता में जो है ये गान गाया जाता है, बिंडस गान। अगला सवाल फुलेज कहाँ का त्योहार है, फुलेज बहुत बार पूछा जाता है, फुलेज जो है वो किन्नौर जिले में गाया जाता है, कहाँ का है, प्रसिद्ध त्योहार किन्नौर का है। नेक्स्ट है सायर मेला कहाँ का है, तो सायर जो मेला है वो लद्रौर हमीरपुर जिला में मनाया जाता है, कहाँ पे है, लद्रौर
हमीरपुर में, यहीं पे संतोषी माता का मंदिर भी है, बहुत फेमस है। नेक्स्ट रहता है एंकड़ू, क्या है? पकवान है खाने का, और कुछ नहीं है। तो दिवाली के समय जो है ये हमीरपुर बिलासपुर के जो लोग है ना, ये विशेष प्रकार का जो है ये खाद्य जो सामग्री बोल सकते हो या खाने के लिए बनाते हैं यहाँ पे, स्पेशल मतलब एंकड़ू बनाए जाते हैं। ये एक प्रकार के चावल की रोटी से ही बनते हैं या चावल के आटे से बनते हैं। नेक्स्ट आता है बूढ़ी दिवाली को लाहौल में क्या कहा जाता है? तो बूढ़ी दिवाली मनाई कहाँ जाती है, एक क्वेश्चन ये है, और क्या कहा जाता है इसको? कहा जाता है खोजला। क्या कहा जाता है बूढ़ी दिवाली को? खोजला कहा जाता है। अगला सवाल, सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में रहने वाले कबायली का अपना संबंध किस सभ्यता से जोड़ते हैं? तो वो है हाटी सभ्यता से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? हाटी सभ्यता से खुद को जोड़ते हैं। अगला है मारकंडा नामक तीर्थ स्थल है, ये स्थान है, ये किस जिले में है? मारकंडा जो है वो है बिलासपुर जिला में स्थित है। कहाँ पे है? बिलासपुर में स्थित है। अगला सवाल है कुल्लू के राजा जगत सिंह का संबंध किस ब्राह्मण की आत्महत्या के साथ जोड़ा जाता है? तो है वो दुर्गा दत्त, ब्राह्मण थे, दुर्गा दत्त के साथ उनका जो है संबंध जोड़ा जाता है। अगला सवाल और अंतिम सवाल आज का, 300 सवालों के तक पहुंच चुके हैं बच्चों। इसी प्रकार से अगर आप हमारा साथ देते रहेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे ना अपने दोस्तों में और प्रैक्टिस करेंगे ना, तो डेफिनेट आपको हिमाचल प्रदेश की जो सरकारी नौकरियों का में जो दिक्कत आती थी ना, हिमाचल जीके की, वो खत्म हो जाए। बस वीडियो को बने रहिए, नोट करिए, नोट्स बनाइए। तो लास्ट सवाल है, राजा जगत सिंह ने अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से भगवान राम की प्रतिमा लाने के लिए किसको भेजा था, कौन लेकर आया था? तो वो लेकर आया था दामोदर दास। कौन लेकर आया था? दामोदर दास। तो ये था हमारा 300 सवालों का, और ये है हमारा आपके लिए स्पेशल, स्पेशल किसके लिए? हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए फुल कोर्स 55% से ज्यादा छूट पे, देख सकते हैं 50 से ज्यादा जारी है। इसमें हमारी तरफ से जो है वो क्या मिल रहा है वो देखिए। देखने वाली तो चीज ये है, यहाँ पे हमारे ई नोट्स मिल रहे हैं, ई बुक्स मिल रही हैं, वीडियो क्लासेस मिल रही हैं, टॉपिक वाइज सीरीज मिल रही हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है, और साथ में 24/7 सपोर्ट मिल रही है हमारे द्वारा। और हम आपको जो है सिलेक्शन का वादा नहीं, हम वचन देते हैं आपको, आप हमारे साथ जो है इसी प्रकार से रोजाना इन क्लासेस को लगाइए और बने रहिए इसी चैनल पे विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। आपको और बेहतर तैयारी करवाने के लिए कोशिश करता रहेगा, और कोई कमी आए तो कमेंट करिए और हम ज्यादा ज्यादा उसके ऊपर अमल करेंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा, और दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास, और आज की क्लास है 300 से लेकर 350 सवालों की झड़ी क्लास, और इस क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम हिमाचल प्रदेश की जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आ रहे हैं, और ये क्वेश्चंस आप डेली टू डेली अपने मोबाइल ऐप पर और यूट्यूब पर और फेसबुक और इंस्टा के ऊपर सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पर आपको ये दिए जा रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस को लगाएं और माइंड में बिठा लीजिए कि ये क्वेश्चन यहीं से ही आपको आने वाले आगामी एग्जामों में आने। तो तैयारी क्यों नहीं करते, तैयारी साथ में करिए, जिसमें हम HPPSC, टैट, पटवारी, एलाइड सर्विसेज और हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जो है वो पूरा का पूरा आपको दे रहे हैं, और आपकी तैयारी जो है वो बेहतर कराने की तरफ जो है वो चल रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जो है वो तैयारी करें,
और बेहतर टू बेहतर क्वेश्चंस लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां से आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है आपको पता लगेगा कि नए क्वेश्चंस जो है वो क्या आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल हमारा आ जाता है कुल्लू दशहरे का प्रारंभ, क्योंकि दशहरा आ रहा है तो दशहरे पर ही क्वेश्चन है। प्रारंभ जो है वो किस शताब्दी में किया गया था, सतारवीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में किया गया था, सत्रहवीं शताब्दी में जो है वो इसका आरंभ जो है यानी कि स्टार्टिंग जो है वो की गई थी। कौन सी शताब्दी में की गई थी, सतारवीं शताब्दी में जो है कुल्लू दशहरे की प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल है रघुनाथ जी के सम्मान में ही राजा जगत सिंह ने किस वर्ष दशहरे को प्रारंभ किया। जगत सिंह ने जो है दशहरा यानी कि कुल्लू का जो दशहरा है वो कब शुरू किया था, 1660 में शुरू किया था। कब किया था प्यारे बच्चों, 1660 में शुरू किया। अगला है हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित होने के बाद कुल्लू का पहला दशहरा किस वर्ष आयोजित किया गया था, यानी कि कौन से साल में जो है कुल्लू का दशहरा स्टार्ट हुआ है, तो वो है 1967 अक्टूबर माह में। ठीक है, कब हुआ था, अक्टूबर माह में जो है हिमाचल प्रदेश में जो है सम्मिलित जब हुआ था कुल्लू, तो उसमें पहली बार जो दशहरा है वो 1967 में स्टार्ट किया गया है। पीपल जातर मेला, ठीक है, बसंतोत्सव भी बोलते हैं इसको, ये कहां पर मनाया जाता है, तो ये ढालपुर मैदान में ही मनाया जाता है और ढालपुर मैदान में ही आपका कुल्लू का दशहरा भी होता है, तो कुल्लू इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। ओके, अगला है शूलनी माता का मंदिर या मेला कहां पर लगता है, तो वो है आपका सोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अगला सवाल, कुल्लू के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्रीखंड महादेव, बहुत ही कठिन यात्रा है या पे जाने के लिए, और ये कितनी हाइट पर है, ये 18,575 लगभग, इन्होंने 70 दिया है, 75 तक फुट तक हाइट जो है वो इसकी मानी गई है। तो याद रखिएगा, तो श्रीखंड महादेव की जो ऊंचाई है वो 18,570 है, 70 से 75 बोल सकते हैं। मिंजर मेला किस जिले के लिए सुप्रसिद्ध है, मेलों से जुड़े हुए सवाल हैं, त्योहारों से जुड़े हुए सवाल हैं आज, तो ये मिंजर मेला यानी कि सिट्टे से जुड़ा हुआ है, जो मक्की का सिट्टा होता है ऊपर का, तो ये है चंबा जिले से, किससे है, चंबा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला कहां पर मनाया जाता है, तो शिवरात्रि जो है बहुत से देवता आते हैं, लाखों देवी देवता मंडी जिले में जो है वो पड्डल मैदान में जो है ये मनाया जाता है। अगला है बाबा बड़वांग सिंह मेला, ये कहां पर लगता है, तो ये ऊना के मैड़ी में लगता है, स्थान का नाम भी लिख लीजिएगा मैड़ी, कहां पे है, मैड़ी में जो है वो लगता है। अगला है मार्च महीने में रामपुर में कौन सा मेला मनाया जाता है, ये है फाग मेला। रामपुर में जो है कौन सा मेला फेमस है, फाग मेला है, जो कि नए वर्ष के लिए जो है वो चिन्हित किया जाता है। अगला है बिलासपुर का नलवाड़ी मेला, जो कि पशु मेला है और गोल्डस्टीन ने जो है इसको शुरुआत की थी अमरचंद के समय में, तब उस वक्त राजा कौन थे, अमरचंद थे। तो ये कब शुरू किया गया था, इसका मैंने आंसर पहले भी आपको करवाया है, 1889, कब, 1889 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है द्योरसिद्ध मेला, यानी कि द्योरसिद्ध बाबा बालकनाथ की बात की जा रही है, तो फटाफट वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है जी। और ये कहां पर है, तो ये शातलाई बिलासपुर में जो है स्थित है। अगला है वर्ष 1916 में राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक के जो है लेखक किसे माना गया है, तो आनंद कुमार स्वामी को जो है ये माना गया है, राजपूत पेंटिंग्स। नेक्स्ट आता है कांगड़ा शैली का जन्म कहां पर हुआ, तो कांगड़ा शैली का जो जन्म है वो गुलेर रियासत से जुड़ा हुआ है, गुलेर में हुआ है।
अगला सवाल है, किस राजा के शासनकाल में कांगड़ा चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी, यानी कि लास्ट स्टेज तक पहुंच चुकी थी, हाई स्टेज पर पहुंच चुकी थी, संसार चंद, राजा संसार चंद के समय में जो है ये हाई स्टेज पर जो है वो पहुंची थी। अगला सवाल है, पठियार और कन्यार लेख किस जिले से प्राप्त हुए हैं, तो ये किस जिले से प्राप्त हुए हैं। पठियार आपको मालूम है हमारे पड़ोस में चमुंडा के साथ ही है, तो वहां से ये लेख प्राप्त हुए थे और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आएगा। क्या आंसर आएगा? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आएगा। सलाणु शिलालेख कहां पर प्राप्त हुआ है? सलाणु जो शिलालेख है वे मंडी जिले से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? मंडी जिला से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है, मूर्तियों पर उत्कीर्ण पुरा लेख में सबसे प्राचीन लेख भरमौर में के किस मंदिर से प्राप्त हुआ है? वो है लक्षणा देवी मंदिर। वैसे लक्षणा देवी मंदिर है, उसी का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। वैसे ओरिजिनल नाम जो है वो लखना है, ठीक है। तो लक्षणा देवी की मूर्ति से जो है ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है, प्रदेश की सबसे शक्तिशाली जाति कौन सी मानी जाती है? तो प्रदेश की सबसे शक्तिशाली जाति जो है वो खश जाति को जो है वो माना जाता है शक्तिशाली जाति। बूढ़ी दिवाली का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो बूढ़ी दिवाली का जो त्योहार है वो निर्मंड कुल्लू में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? निर्मंड कुल्लू में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, हिमालय के त्रिगत गण संघ के अधीन कितने राज्य थे? तो गण संघ यानी कि जब स्टार्टिंग थी तब हमारे टोटल 6 राज्य थे। कितने थे? 6 राज्य थे। अगला सवाल, हिमाचल में 1857 की क्रांति कहां से हुई? तो 1857 की क्रांति हुई थी कसौली से। कहां से हुई थी? कसौली की छावनी से हुई थी। अगला, हिमाचल प्रदेश का नामकरण किसने किया, यानी कि हिमाचल का नाम ही किसने रखा था? तो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने जो है इसका हिमाचल का नाम रखा था। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े आइस स्केटिंग मैदान, ठीक है, के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है आपके शिमला को जाना जाता है। अगला है, भारत का पहला पैराग्लाइडिंग विश्व कप आयोजित कहां पर हुआ था? तो भारत का पहला जो पैराग्लाइडिंग है वो बीड बिलिंग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंतर्गत आता है, हिमाचल प्रदेश में जो है वो हुआ था। गद्दी लोग किस के वंशज माने जाते हैं? तो ये गद्दी लोग जो हैं या गद्दी जनजाति के लोग जो हैं वो औदुम्बर जनजाति से जो हैं वो वंशज माने जाते हैं, औदुम्बरो। नेक्स्ट, मलाणा के किस ऋषि का गणराज्य कहा जाता है? वो है ऋषि जमदीगनी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है, मलाणा में स्थानीय भाषा में जमदीगनी ऋषि को किस नाम से पुकारा जाता है, यानी कि वहां के लोग जो है अपने देवता को किस नाम से पुकारते हैं? वो है जामलू देवता के नाम से। किस नाम से पुकारते हैं? जामलू देवता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ऋग्वेद में हिमाचल को किस नाम से जो है अंकित किया गया है? अंकित होगा, ठीक है, अंकित किया गया है हिमवत। किस नाम से किया गया है? हिमवत, क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है इसलिए हिमवत। नेक्स्ट आता है, त्रिगत किन 3 नदियों के बीच है? पहले भी आया था ये क्वेश्चन, फिर से आ गया है, रावी है, व्यास है और सतलुज नदी के बीच में ये गिना जाता है। नेक्स्ट आता है, हिमाचल की तिब्बत से कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि तिब्बत से जो है हिमाचल कितना जुड़ा है? वो है सिर्फ 200 किलोमीटर। नेक्स्ट, शिवालिक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो शिवालिक को मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है? तो तिब्बत से अलग करती है वो है जास्कर पर्वत श्रृंखला। कौन सी अलग करती है? जास्कर पर्वत श्रृंखला। अगला है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला की ऊंचाई कितनी है? मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं, 7026 मीटर जो है ये इसकी हाइट है बच्चों।
कितनी है 7026। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची जो है वो रियो पगरियाल है, जो कि 6,790 जो है वर्ग मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला सवाल है, पालछा पर्वत चोटी कहां पर है? तो पालछा जो है वो है कुल्लू जिला में स्थित है। कहां पे है? कुल्लू जिला में स्थित है। अगला है, चंबा की सुप्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला लामसर की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 5,080 मीटर ऊंचाई है। ठीक है जी, 5,080 मीटर। अगला है, बारालाचा दर्रा किसके समीप है? बहुत से लोग जो है पर्यटक यहीं पे जाते हैं, वो है लाहौल और लद्दाख के बीच में बारालाचा दर्रा आता है। कौन सा दर्रा आता है? लाहौल और लद्दाख के बीच में। नेक्स्ट आता है, चंद्रा नदी किस हिमनद से पानी प्राप्त होता है? यानी कि कहां से जो है चंद्रा नदी को पानी प्राप्त होता है? वो है शिगड़ी हिमनद से, यानी कि ग्लेशियर। हिमनद मतलब ग्लेशियर, प्यारे बच्चों नोट रखिएगा। नेक्स्ट आता है, कुल्लू के सुप्रसिद्ध द्योन और पार्वती हिमनद किस नदी को पानी देते हैं? तो ये देते हैं पार्वती नदी को, जहां पर मणिकरण है, कसोल है, घूमने के स्थान है, तो पार्वती नदी इसका आंसर रहेगा। लाहौल के मूल किला और म्यार हिमनद किस नदी में जल प्रवाह के प्रमुख स्रोत हैं? वो है भागा और म्यार नदियों के, भागा और म्यार नदियों के। अगला सवाल, डल और कावेरी झीलें कहां पर स्थित हैं? तो डल आपको बता दिया है, और कावेरी नहीं होगा यहां पर, करेरी होगा, करेरी, क्योंकि बुक्स में जो है कावेरी भी लिख दिया है, मगर कके करेरी है ये। ठीक है, तो ये हमारे कांगड़ा में है, धर्मशाला के साथ ही है। नेक्स्ट आता है, भृगु सरोवर मंदसौर ये क्या है? तो ये कुल्लू जिले की झीलों के नाम है। क्या है? कुल्लू जिले की झीलों के नाम है। अगला सवाल है, कौन सी झील डोडरा कवार और किन्नौर स्थित सांगला के बीच में है? तो आंसर रहेगा बरादोनसर झील। कौन सी है? बरादोनसर झील, बरादोनसर झील। अगला है, कांगड़ा जिले की सुप्रसिद्ध झील पोंग झील जो है 1975 में बनी, जिसकी लंबाई 42 किलोमीटर है, तो इस झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाराणा सागर प्रताप के नाम से जाना जाता है, महाराणा प्रताप सागर। अगला है, पंडोह झील किस जिले में है? तो पंडोह मैंने कल भी बताया, पिछली वीडियोस में भी, मंडी जिला में स्थित है। अगला सवाल, रावी नदी पर बनाई गई चमेरा झील, यानी कि चमेरा डैम की बात की जा रही है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये चंबा जिले में है। चमेरा से जुड़े हुए हो सभी डैम चमेरा के जो है वो चंबा में ही है। नेक्स्ट, मणिकरण गर्म पानी के चश्मे के लिए पाया जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है? रेडियो एक्टिविटा, यानी कि धर्मिता पाई जाती है, रेडियो धर्मिता। अगला है, हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 350 से लेकर 7,000 मीटर तक की ऊंचाई जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट आ जाता है, और अंतिम सवाल, किस पौधे की जड़ें शक्ति वर्धक तथा ज्वर रोधक होती हैं? वो है अतिस की। किसकी है? अतिस जो है वो इसका सही आंसर है, अतिस की जो है वो जड़े हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा। और भी ऐसी ऐसी मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। आप हमारा साथ अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में जरूर इन क्वेश्चंस को शेयर करें कि वो भी अपनी तैयारी करें। तब तक लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। खटोच कच की जो माँ थी उसका नाम बताओ। तो खटोच कच की जो माँ थी उनका नाम था, पहले फादर का नाम बता देता हूँ, भीम उनका नाम था, और भीम की जो पत्नी थी वो थी हडिम्बा,
जो कि मनाली में इनका मंदिर है और कटोचकच का भी साथ में ही उनका मंदिर उनका भी बना हुआ है। तो ये मनाली में जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास के हमारे हैं 350 से लेकर 400 क्वेश्चनों के आंसर। तो ये सीरीज हमने शुरू की हुई है हिमाचल के सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और महत्वपूर्ण प्रश्न सभी होंगे और हम इस सीरीज को चलाए रखेंगे। आप भी इस सीरीज के साथ हिस्सा बनिए हमारा और हम इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। तो ये हमारे कवर करते हैं HPPSC के सभी एग्जाम्स को। हिमाचल प्रदेश में टैट का एग्जाम होता है, उसको पटवारी का है, एलाइड सर्विसेज का है। जैसे जैसे पोस्टें निकलती जाएंगी उसके भी हम ब्रीफ क्वेश्चंस को और बेस्ट क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आएंगे। आप वीडियो को मैं आज पहली बार जुड़े हैं तो पिछली वीडियोस जरूर देखें हमारी, और अगर आप अपने फ्रेंड्स का भी अच्छा करना चाहते हैं तो उनका भी भला करें और इसको वीडियो को साथ में ही स्ट्रीम को शेयर कर दें। तो वीडियो को ज्यादा ना खींचते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला प्रश्न है पश्चिमी हिमालय में मेरी यात्राएं, पश्चिमी हिमालय में मेरी यात्राएं के लेखक कौन हैं? तो ये है MS रंधावा। कौन है? MS रंधावा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक भी रहते हैं हमारे, मैक्सिमम पेपरों में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इनकी किताबों को पूछा जाता है। तो बच्चों आपने कुछ नहीं करना है, आपने इनकी किताबों की लिस्ट बनाओ और उसको पूरा का पूरा आप ध्यान में रख लो, ठीक है जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, थुरल, चढ़ियार, पंजरुखी घाटियां, ठीक है। थुरल, चढ़ियार है, पंजरुखी है, प्रदेश में कौन से जिले में स्थित है? ये कौन से जिले में आती हैं? ये आपसे पूछा गया है। और जो थुरल से रहने वाले हैं, कोई चढ़ियार के हैं, तो फटाफट अपने इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि ये घाटियों के नाम पर भी हैं, ठीक है जी। तो ये आंसर रहेगा कांगड़ा जिला में ये स्थित है। अगला सवाल है जरी और मलाणा घाटियां कहाँ पर हैं? तो जरी और मलाणा घाटियां जो हैं, ठीक है जी, वो हैं कुल्लू जिला में। कौन से जिला में स्थित है? कुल्लू जिला से जुड़ी हुई है। अगली है कुरपाल और पतलीकुल। देखिए पतलीकुल सुना भी होगा आपने, ठीक है। सैंज तीर्थन वैली है, कुरपार भी है ऐसे ही। तो ये कुल्लू जिला में स्थित है। कहाँ पे है? कुल्लू में है और ये वहां की बहुत ही प्रसिद्ध घाटियां हैं। पर्यटन की स्थिति में यानी कि उसमें भी सोचा जाए तो बहुत बढ़िया एक घूमने का स्थान है। महाभारत के योद्धा खटोचकच की जो माँ थी उसका नाम बताओ। तो खटोचकच की जो माँ थी उनका नाम था, पहले फादर का नाम बता देता हूँ, भीम उनका नाम था। और भीम की जो पत्नी थी वो थी हडिम्बा, जो कि मनाली में इनका मंदिर है और खटोचकच का भी साथ में ही उनका मंदिर उनका भी बना हुआ है। तो ये मनाली में स्थित है। तो हडिम्बा देवी जो है वो इनकी खटोचकच की माँ का नाम था। हडिम्बा माता का मंदिर कुल्लू के में कौन सी जगह पर है? तो कुल्लू में जो है ये डुंगरी नामक स्थान कहा जाता है, तो डुंगरी के जंगलों में स्थित है, तो डुंगरी इसका सही आंसर रहेगा। ऐसे ही लिंगटी, स्पीति, पिन घाटियां ये कहाँ पर की हैं? तो ये हैं हमारी लाहौल स्पीति की। कहाँ से हैं जी? लाहौल स्पीति से जुड़ी हुई हैं। अगला है चंद्रभागा घाटी, यानी कि लाहौल स्पीति से है, अन्य नाम से जाना जाता है। तो अन्य नाम है गंगोड। किस नाम से जाना जाता है? गंगोड के नाम से जाना जाता है, या पट्टन घाटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पट्टन घाटी भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। इससे भी आपने सेव कर लेना है, नोट कर लेना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। चंद्रा और भागा नदियों के संगम स्थल क्या हैं? तो जहां पर चंद्रा और भागा मिलती है उस जगह का नाम है तांदी। कई जगह तांदी लिखा हो सकता है, आपको टांडी भी मिल सकता है। तो भैया ऐसे नहीं सोचना है, ये मिलते जुलते नाम है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट डिफरेंट है। 1962 में भारतीय जर्मन परियोजना कहां पर चलाई गई? तो ये चलाई गई थी बल घाटी, यानी कि सुंदरनगर यानी कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में आएगी ये।
तो वहां पर चलाई गई थी सन 1962 में। अगला है कुनिहार घाटी कहां पर है, तो कुनिहार घाटी सोलन में स्थित है। कहां पर है, सोलन में स्थित है। 1938-39 में किस ब्रिटिश वन रक्षक ने जो है पब्बर तथा आंध्रा नाले में, यानी कि शिमला की साइड जा रहे हैं, ट्राउट मछली पालनी पालन पालन होगा ठीक है, पालन प्रारंभ किया था, तो श्री ग्रोवर थे। कौन थे, श्री ग्रोवर। अगला सवाल है किन्नौर की सुप्रसिद्ध बसपा घाटी, किन्नौर में जो है बसपा घाटी जो है बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये कहां पर है, तो किस घाटी में है, तो सांगला घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में स्थित है, सांगला घाटी में स्थित है। अगला है हर रंग और शंग नाम क्या है, हंग रंग और शंग रंग नाम जो है ये किन्नौर की घाटियां हैं। किसकी घाटियां हैं, किन्नौर की घाटियां हैं। अगला है किन्नौर में स्थित करछम छितकुल गांव जो है किस घाटी में है, तो ये भी सांगला घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में स्थित है, सांगला घाटी में स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा सांगला घाटी। अगला सवाल है बसपा के दोनों किनारों पर कौन सी दो बड़े गांव स्थित है, यानी कि बसपा के नजदीक में है, तो वो है एक कमरू और एक सांगला। कमरू और सांगला जो है ये बड़े बड़े जो है वो दो गांव हैं जो कि बसपा के किनारे पर बसे हुए हैं। पोंटा या क्यादरा दून घाटियां कहां पर स्थित हैं, तो मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है ये सिरमौर में स्थित है। कहां पर है, सिरमौर में स्थित है। अगला सवाल है क्यादरा दून घाटी कहां, घाटी पर लोगों को किसने बसाया, यानी किसने इनको बसाया था, तो राजा शमशेर प्रकाश, तो राजा शमशेर प्रकाश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है पौराणिक साहित्य के अनुसार किस नदी पर शिव का निवास माना जाता है, तो शिव का निवास जो है वो किस नदी पर माना जाता है, वो है सतलुज नदी पर माना जाता है। कौन सा आंसर रहेगा, सतलुज नदी। अगला है सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहां पर प्रवेश करती है, तो शिपकी के पास ये प्रवेश करती है, और जो कि नामगिया गांव का नाम है, क्या है, नामगिया, नामगिया जो है गांव का नाम। नेक्स्ट आता है किन्नौर की कौन सी नदी सतलुज में मिलती है, तो ये है सतलुज में किन्नौर की जो है वो बसपा नदी जो है वो मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, बसपा नदी जो है वो मिलती है। अगला सवाल है अटली गंबरोट और सीरखंड किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये हैं सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं बच्चों, आपने नोट करिए, उनको बनाइए और लर्न करिए। अगला सवाल है नाथपा झाकरी जो कि 1500 मेगावाट की है, ये भी किस नदी पर है, और ये भी सतलुज नदी पर ही स्थित है। अगला सवाल रामपुर का कोल डैम है और कहल लुहरी विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो लुहरी भी ये भी सतलुज नदी पर ही स्थित है। कौन सी नदी पर है, सतलुज नदी। सतलुज नदी के किनारे पर कौन से शहर बसे हुए हैं, तो ये हैं रामपुर और बिलासपुर। रामपुर और बिलासपुर जो हैं वो सतलुज नदी के किनारे पर ही बसे। नेक्स्ट आता है किस नदी को वैदिक साहित्य में अर्जकिया और संस्कृत में विपाशा कहा जाता है, बहुत ही है अच्छा है, ब्यास कुंड तो यानी कि ब्यास नदी का उद्गम स्थान ब्यास नदी को कहा जाता है, बहुत बार ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित ब्यास कुंड, देखिए आ गया ना, से कौन सी नदी निकलती है, फिर से आ गया पीर पंजाल में से आपकी कौन सी निकलती है, तो ब्यास नदी ही इसका सही आंसर रहेगा। अगला है ब्यास नदी हिमाचल में कितने किलोमीटर तक बहती है, तो ये बहती है 256 किलोमीटर, कितनी, 256 किलोमीटर तक बहती है। नेक्स्ट आता है मिर्थल नामक स्थान पर कौन सी नदी पंजाब में प्रवेश करती है,
तो ये भी आपका आंसर रहेगा ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास नदी। नेक्स्ट आ जाता है, ब्यास नदी किस स्थान पर सतलुज नदी से मैं विलय हो जाती है? तो वो है हरी का पतन। तो सतलुज नदी से मिल जाती है ये, तो ये कौन सी जगह पर मिलती है? हरी का पतन, या पत्तन बोल लो, ठीक है जी। नेक्स्ट, हमीरपुर की उणाह और मान खड्डे हैं ये सहायक, किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको मैंने बताया हमीरपुर में कोई भी नदी नहीं है, उसको डिवाइड करती है कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी कांगड़ा और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को, वो है सिर्फ ब्यास नदी। तो ये मान खड्डे और ये जो कूड़ा खड्ड है, ये भी अपनी खड्डे जो है वो ब्यास नदी में ही आकर मिल जाती है बच्चों, ठीक है जी। और कांगड़ा की जो है बिनवा, बाण, बनेर, गज, चक्की, न्युगल, है ना, तो ये सभी खड्डे किसकी हैं? तो ये भी हमारी किससे मिलती है? ब्यास नदी से ही मिलती हैं। पंडोह, पंडोह डैम की बात करें, 14 किलोमीटर का है, तो किस नदी पर है? तो ये भी ब्यास नदी पर ही बना हुआ है। अगला है, ब्यास नदी पर कांगड़ा में कौन सा बांध बनाया गया है? तो वो है रणजीत सागर बांध, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये पोंग बांध भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर है पोंग बांध। अगला है बजोरा, ओट, सुजानपुर टीरा, नदौन, देरा गोपीपुर, कस्बे, शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये सभी के सभी, ये जो मंडी से आ रही है नदी और ये सुजानपुर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फिर नदौन जा रही है, फिर देरा गोपीपुर हो जा रही है, तो ये ब्यास नदी जो है वो रास्ते उसके बताए गए हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ब्यास नदी, प्यारे बच्चों। अगला सवाल, बड़ा बंगाल किस नदी के उद्गम स्थान है? देखिए बड़ा बंगाल जो है एक ग्लेशियर से जो है, वहां के ग्लेशियर से रावी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी का उद्गम स्थल है। अगला है, चंबा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये भी रावी नदी के किनारे पर ही स्थित है, प्यारे बच्चों। अगला है, चंबा शहर किस नदी के किनारे पर, फिर से आ गया है, तो ये भी रावी ही नदी आंसर रहेगा। अगला सवाल है, किस नदी को वेदों में परुषणी, देखो कई बार आएगा परुषणी, संस्कृत में ईरावती, याद रखना किसको किस में कहा जाता है, तो किस नदी के ये नाम है? तो ये है रावी नदी के उपनाम है, जो कि संस्कृत और वैदिक नाम दिया है रावी नदी के। अगला है, किस नदी को वेदों में आस्कनी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चिनाब नदी को। कौन सी नदी को जाना जाता है? चिनाब नदी को। अगला सवाल है, जल प्रवाह की दृष्टि से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी, यानी कि पानी की दृष्टि में हम देखेंगे तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी जो है वो हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। भुजंद नामक जो स्थान पर कौन सी नदी जो है पांगी घाटी में प्रवेश करती है? तो पांगी में, यानी कि चंबा से होकर जा रही है, तो रावी नदी ही याद रखिएगा, रावी नदी जो है वो जाती है। अगला है, किस स्थान पर चंद्रमा की बेटी, चंद्रा और सूर्य का के पुत्र का विवाह सूत्र में बंधे थे? तो कौन सी जगह पर बंधे थे? वो था तांदी नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? तांदी। अगला सवाल है, बिलासपुर में पूजा करने वाले ब्राह्मणों को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको बोला जाता है भोजकी। तो बिलासपुर में ब्राह्मणों को जो पूजा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? भोजकी। शिमला और सिरमौर में पूजा करने वाले ब्राह्मणों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है पजियार। किस नाम से बुलाया जाता है ब्राह्मणों को? पजियार। तो पजियार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हिमाचल की दूसरी सबसे बड़ी प्राचीनतम जैसे जाति है खश का मूल स्थान क्या है? तो खश जाति जो है वो मध्य एशिया से रिलेटेड है या जुड़ी हुई है। कहां से? मध्य एशिया से। अगला सवाल है, संस्कृत में प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? तो कुलिंद के नाम से, प्यारे बच्चों, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुलिंद के नाम से जाना जाता है। कांगड़ा पालमपुर रेलू
की घाटियां मुख्यतः किस जाति के लोगों का की प्रधानता यानी कि सबसे ज्यादा है, तो वो है धीरथ। धीरथ जाति के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट आता है राणा राजवंशों के वंशजों में को कौन सी सम्मानजनक उपाधि से संबोधित किया जाता है, तो वो है मियां नामक उपाधि से जो है इन्हें सम्मानित किया जाता है। अगला सवाल, पहाड़ी कला में महान संरक्षक कांगड़ा के राजा संसार चंद ने किस गद्दण को अपनी रानी बनाया था, तो वो था नोखून गद्दण। किसको बनाया था? नोखू गद्दण को ये है इन्होंने अपनी रानी बनाया था। और अंतिम सवाल है, श्री स्पीति घाटी के लोगों का मुख्य भाषा कौन सी है, तो स्पीति वाली साइड यानी कि लाहौल स्पीति में जो है, तो स्पीति में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो बोली जाती है भोटी। कौन सी भाषा बोली जाती है? भोटी भाषा बोली जाती है। तो ये है हमारे सवाल जो कि आज के थे, ठीक है। तो ये इन सवालों को आप तैयार करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छी तैयारी करने के लिए। इसी प्रकार से सवालों की और भी लेकर आऊंगा, आप बने रहिएगा मेरे साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। और आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होने जा रही है, क्योंकि हमारे आज 401 से लेकर 450 तक के क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, जो कि हिमाचल प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो इसमें हम कवर कर रहे हैं HPPSC के एग्जाम्स हैं, HP टैट के हैं, पटवारी के हैं, एलाइड सर्विसेज के हैं, सभी के एग्जाम्स को हम कवर कर रहे हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। और आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे जो हैं प्लेलिस्ट में से जाकर भी ये देख सकते हैं HPGK की क्लासेस। तो हमारा ये क्लास स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे शक्तिशाली प्रजाति कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे शक्तिशाली प्रजाति जो है वो है खश जाति। कौन सी है? खश जाति जो है वो सबसे शक्तिशाली जाति है। दस्यु राजाओं में से सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो राजा शशंबर था। कौन था? राजा शशंबर जो थे वो सबसे शक्तिशाली दस्यु राजाओं में से सबसे शक्तिशाली राजा रहे। अगला है, ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा था, तो वो सबसे बड़ा जो शत्रु था वो था शाबर। करेक्ट आंसर याद रखिएगा बच्चों, इस यहीं से क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, हिस्ट्री जो हिमाचल की है ना वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। और फटाफट अपने जो है क्वेश्चंस को लिखिए, नोट करिए। निर्मंड नामक स्थान में किस ऋषि का संबंध जोड़ा जाता है, निर्मंड में जो है या निर्मंड से जो है किस व्यक्ति का यानी कि किस महापुरुष का नाम जोड़ा जाता है, वो है पशुराम। किसका नाम जोड़ा जाता है? पशुराम का। महाभारत के युद्ध में त्रिगत के किस राजाओं ने जो है कौरवों की ओर से जो है वो युद्ध लड़ा था, तो वो था सुशर्मन चंद। यानी कि सुशर्मन चंद ने जो है कौरवों की ओर से भाग लिया था महाभारत में। त्रिगत क्षेत्र यानी कि आधुनिक कांगड़ा की बात की जा रही है, तो ये किन नदियों के बीच है? क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछते हैं, तीन नदियों की भूमि के लिए भी पूछते हैं, तो रावी, सतलुज और ब्यास। तो ये है तीन नदियां। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, 405 ईस्वी में गुलेर रियासत की स्थापना कांगड़ा के किस शासक ने की थी, तो ये की थी राजा हरिचंद, गुलेर राज्य की स्थापना। अगला सवाल, बाण गंगा कुराली और न्यूगल के संगम स्थल क्या हैं? यानी कि ये जो तीन नदियां हैं, खड्डे हैं, ये कहां आकर मिलती हैं? त्रिगत में आकर मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं? त्रिगत। अगला सवाल, दिल्ली के तोमर राजा जेठपाल ने नूरपुर की स्थापना की थी, तो ये कब की थी? तो 1095 में जो है इन्होंने ये स्थापना की थी। कब की थी? 1095 में। पठानकोट का प्राचीन नाम, जो जो
भैया पठानकोट से हैं वो भी इसमें वीडियो को कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको भी पता था पठानकोट का पूरा नाम प्रतिष्ठानपुर था। क्या नाम था? प्रतिष्ठानपुर जो है पठानकोट का पुराना नाम है, याद रखिएगा पठानकोट वाले खासकर। अगला सवाल, सुकेत रियासत की राजधानी क्या थी? वो थी पांगणा। क्या थी? पांगणा। ठीक है, वीर सेन के समय में क्या थी सुकेत रियासत की राजधानी? पांगणा। अगला है, सुकेत रियासत की राजधानी को किस शासक ने 1748 में ईस्वी में सुंदरनगर से जो है वो बनेड़, यानी कि सुंदरनगर का पुराना नाम भी आपको याद रखना है, वो है बनेड़ स्थापित किया था, तो राजा गरुड़ सेन। कौन थे? राजा गरुड़ सेन। नेक्स्ट आता है, 1846 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार और सिख शासकों के बीच हुई संधि में मंडी और सुकेत पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया, उस समय सुकेत रियासत का जो है वो शासक कौन था? तो राजा उग्रसेन जो थे वहां के जो हैं वो शासक यानी कि राजा हुए हैं। अगला सवाल है, मंडी शहर की स्थापना की गई, बिल्कुल सही क्वेश्चन दीजिएगा, मंडी शहर की स्थापना जो है वो किसने की है? तो सही आंसर है अजमेर सेन। 1527 में जो है मंडी शहर की इन्होंने स्थापना की थी। अगला सवाल है, 1846 ईस्वी में मंडी अंग्रेजों के जो है नियंत्रण में आ गई थी, तो उस वक्त वहां का शासक कौन था? तो राजा बलबीर सिंह जो थे वहां के जो है बलबीर सेन जो है वहां के शासक रहे हैं। अगला सवाल है, मंडी के प्रसिद्ध विक्टोरिया पुल, देखिए मंडी से जुड़े हुए सवाल हैं आज ज्यादा से ज्यादा आए हैं, तो वो किसने बनाया है? तो विजय सेन। ठीक है, किस राजा ने बनवाया था? तो किस पुल का निर्माण किस राजा ने करवाया? हाँ, तो आंसर क्या था? बलबीर सेन। क्या था? बलबीर सेन। 1870 ईस्वी में जो है इन्होंने इसका निर्माण करवाया है, विक्टोरिया पुल का। अगला है, कुटलेहड़ रियासत के स्थापक कौन थे? कुटलेहड़ रियासत के जो स्थापक थे वो थे जयपाल। कौन थे? जयपाल। अगला सवाल, नारायण पाल किस रियासत के अंतिम शासक थे? तो नारायण पाल जो थे वो भी अंतिम शासक कहां थे? कुटलेहड़ रियासत के ही संस्थापक थे। ये हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस, सभी YouTube चैनल्स में, Facebook चैनल्स में कहीं नहीं मिलेंगे हिमाचल के ऐसे क्वेश्चंस। फटाफट जो है लगाइए और इन क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्म में लिखिए। कहलूर रियासत की नींव 697 ईस्वी में किसने रखी थी? तो ये वीर चंद ने रखी थी। किसने रखी थी बच्चों? वीर चंद ने इसकी नींव रखी थी। अगला सवाल, वर्ष 1947 में बिलासपुर के किस शासक ने महाभारत में विलय भारत में विलय होने का विरोध किया था? तो भारत में विलय होने का जो है वो आनंद चंद ने जो है इसका विरोध किया था कि हम भारत में विलय नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है, 1100 ईस्वी में हिंदूर राज्य की स्थापना किसने की? तो वो की थी अजय चंद ने। किसने की थी? अजय चंद ने जो है इसकी स्थापना की। अगला सवाल, 1816 ईस्वी में कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर अंग्रेजों ने शिमला पहाड़ी रियासतों का गठन किया? तो 28 रियासतों को जोड़कर जो है वो हिमाचल की जो है छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर शिमला पहाड़ी रियासतों का जो है वो गठन किया था। अगला सवाल है कि बुनुम तिनम और पंचायत क्या हैं? तो ये लाहौल स्पीति की जो हैं वो तीन भाषाएं हैं, मुख्य भाषाएं। ठीक है जी। अगला सवाल, किस वर्ष यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट स्पीति आए थे? मूरक्राफ्ट जो हैं ये कई बार यूरोपीय यात्री यूनानी इनको पूछा जाता है, ठीक है, इनको याद करिएगा। 1821 में जो है ये आए थे। इसी प्रकार से बताइएगा अलबरूनी हिमाचल में कब आए थे? ठीक है, पहली बार। लाहौल स्पीति का हस्तांतरण हिमाचल में पंजाब से कब हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1966 में जो है लाहौल स्पीति को जो है हिमाचल में पंजाब से जो है वो हस्तांतरण किया गया था। अगला सवाल है,
1670 ईस्वी में जब लाहौर लद्दाख से आजाद हुआ, उस समय के क्षेत्र उस वक्त मतलब किसका शासन स्थापित हुआ था, यानी कि कौन उस वक्त राजा हुआ करते थे, तो चंबा के शासक जो है वहां के जो है वो राजा हुआ करते थे। कुल्लू के किस राजा ने लद्दाख को चंबा के शासकों से जो है छीन कर कुल्लू में मिला दिया, तो ये थे विधि चंद। कौन थे? विधि चंद या सिंह, जो भी बोलो, विधि सिंह बोलो या चंद बोल दो, ठीक है। अगला है मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, गणेश नरसिंह छत्राड़ी मंदिरों का निर्माण चंबा के किस शासक ने करवाया था? वो करवाया था मेरू बर्मन ने। किसने करवाया था? मेरू बर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। अगला सवाल, चंबा के किस रानी ने पानी के समस्या को दूर करने के लिए आत्म बलिदान दिया था, जिसकी याद में बैसाख महीने में सूही मेला भी लगाया जाता है या बनाया जाता है? तो वो थी रानी सुनैना। रानी सुनैना की याद में जो है वो कौन सा मेला लगाता है? वो है सूही मेला। और ये कहाँ का मेला है? चंबा जिले का प्रमुख मेला है। ये है हमारा हिमाचल पुलिस का फुल कोर्स, जो कि इसमें हमारा ई बुक्स, स्पेशल नोट्स, वीडियो क्लासेस, टॉपिक वाइज सीरीज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज 55% की छूट पर जो है आपको मिल रहे हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं विजयपथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन ऐप को और फटाफट अपना जो है सीट और वर्दी का सपना जो है और सरकारी नौकरी का सपना जो है वो अपना सुनिश्चित कर सकते। अगला सवाल है चंबा के किस मेले में स्त्रियां भाग लेती हैं? तो वो है सूही मेला, जो रानी सुनैना का के नाम से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, अगला है चंबा के किस शासक ने औरंगजेब के मंदिरों को गिराने का आदेश को मानने से इनकार कर दिया था? तो वो थे राजा चतर सिंह। कौन थे? राजा चतर सिंह। अगला सवाल है चंबा के किस राजा ने संसार चंद से तंग आकर मंडी, बिलासपुर, कुल्लू के राजाओं के साथ मिलकर 1806 ईस्वी में गोरखाओं की सहायता के लिए बुलाया था? तो राजा कौन थे? वो थे राजा जीत सिंह। कौन थे? राजा जीत सिंह, ये इसका आंसर रहेगा। अगला है राजा भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना जो है वो हुई थी 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में, बताइएगा आप में से कितने जो लोग हैं वो भूरी सिंह संग्रहालय जिन्होंने देखा है चंबा में, मेन ग्राउंड के साथ में ही। नेक्स्ट रहता है चंबा रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह जो थे वो अंतिम शासक थे। अगला है भारतीय संघ में चंबा का विलय कब हुआ? तो ये हुआ था संघ में जब मिलाए थे तो सबसे पहले ईस्वी को मिलाया गया सन 1948। तारीख बताएं तो 8 मार्च 1948 को विलय हुआ है। अगला है चंबा रियासत के प्रथम पन विद्युत योजना किस शासक के समय में शुरू हुई थी? तो सबसे ज्यादा जो है ना इसीलिए उनको जाना जाता है क्योंकि उनका संग्रहालय भी इसीलिए बनाया था, भूरी सिंह का को जो है ये जाना जाता है, उन्होंने पहला योगदान दिया और एक्टिवेटेड जो है योगदान दिया था, बहुत ही एक्टिवेटेड लोग राजा हुए हैं और 1910 में जो है इन्होंने शुरू किया। नेक्स्ट आ जाता है 1570 में मुगल सम्राट अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने के लिए किससे नियुक्त किया था? वो थे रामचंद्र। किसे नियुक्त किया था? रामचंद्र को। कांगड़ा के किस राजा ने सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया? वो भी आंसर रहेगा जयचंद। क्या आंसर रहेगा? जयचंद और उनके पुत्र विधिचंद, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने कांगड़ा किससे जागीर के रूप में दे दिया, यानी कि उसको डोनेट कर दिया? तो वो थे बीरबल। कौन थे? बीरबल। अगला सवाल राजा विधिचंद को हटाकर कांगड़ा में मुगल सम्राट अकबर ने किसे देने का आदेश दिया था?
तो ये भी आंसर रहेगा, अकबर के जो थे खास मंत्री वो थे बीरबल। अगला सवाल, पहाड़ी रियासतों में स्थायी बंदोबस्त करने की प्रेरणा अकबर को किसने दी? तो ये थे उनके बहुत ही अच्छे, मतलब उनके नौ रत्नों में से थे टोडरमल। कौन थे? टोडरमल अकबर, तो उन्होंने ये सलाह दी थी। विधि चंद द्वारा संगठित जम्मू और कांगड़ा की रियासतों ने मिलकर अकबर को के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अकबर ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए किसे भेजा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के पूछेंगे। तो जेन खान कोका, जेन खान कोका को जो है उनके विद्रोह को जो है दबाने के लिए भेजा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अकबर ने विधि चंद का के आत्मसमर्पण के लिए किसे बंधक के रूप में दिल्ली में छोड़ना पड़ा था? तो त्रिलोक चंद को जो है वो दिल्ली में छोड़ना पड़ा था। ये कौन थे? ये विधि चंद के पुत्र थे। कौन थे? विधि चंद के ये त्रिलोक चंद पुत्र थे। किस मुगल शासक ने पहाड़ी राजाओं में स्वामी भक्ति को बनाए रखने के लिए पुत्रों तथा निकट संबंधियों को बंधक बनाकर रखने की प्रथा चलाई? तो ये प्रथा जो है वो मुगलों की है, और मुगलों में सो है वो है अकबर से आई थी। किससे आई थी? अकबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कहलूर का भीमचंद और गढ़वाल के राजा फतेह चंद सिख गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ क्यों हो गए थे? तो ये इसलिए थे क्योंकि शादी में जो है हाथी न दान देने के कारण हुए थे। ठीक है, शादी में हाथी न देने के कारण ये जो है वो उनके मतलब खिलाफ हो गए थे, विद्रोह कर दिए थे। नेक्स्ट आता है, मंडी के किस राजा ने को गुरु ने कभी कोई लूट नहीं सकता का आशीर्वाद दिया था? तो ये थे सिद्ध सेन। कौन थे? राजा सिद्ध सेन। अगला सवाल, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी सैनिक भक्ति को कहां पर बढ़ाया? तो उन्होंने कहलूर रियासत में उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया था। 1805 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने आक्रमण का मुकाबला करने के लिए संसार चंद को किससे सहायता मांगी थी? तो वो मांगी थी राजा रणजीत सिंह से। किससे मांगी थी? राजा रणजीत सिंह। ये हैं हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूछे जाने वाले। अंग्रेजों तथा गोरखाओं के में युद्ध कब शुरू हुआ था? तो दोनों के बीच में जो है 1814 ईस्वी में जो है वो युद्ध हुआ है, 1814 में। बहुत बार आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है, 1815 में सिरमौर की गद्दी पर फतेह प्रकाश को बिठाया गया, उस समय उसकी आयु कितनी थी? उसकी आयु जो थी वो थी सिर्फ 6 वर्ष। कितनी थी? 6 वर्ष थी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं और मैं आपको चुन चुन के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है। तो इसी होप के साथ आपका धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 451 से 500 तक के सभी सवालों को मैं आपके सामने अब पूरा बताऊंगा, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो सभी ध्यान से देखें। हिमाचल प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ये सीरीज में आपका स्वागत है, और ये वीडियो जो है HPPSC के एग्जाम्स और साथ में HP TET, HP पुलिस और पटवारी के सभी एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो होने जा रहे हैं। ये अलाइड सर्विसेज में भी यहीं से ही क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो आप बहुत बेहतर तरीके से जो है इनको परफेक्ट करिए कि हम इन क्वेश्चंस से ही क्वेश्चंस
से अपनी तैयारी को जांच सकें। और जो आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप उसको भी या उनमें भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सिरमौर का कौन सा राजा लॉर्ड एम्स्टर्ड की आयोजित दरबार में जो है वो उपस्थित हुआ था? तो वो थे फतेह सिंह। क्या नाम था उनका? फतेह सिंह। तो क्या नाम था बेटा उनका? फतेह सिंह। अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है कि किस वर्ष अंग्रेजों ने सिखों को पराजित किया? तो सिखों ने जो है, यानी कि अंग्रेजों ने सिखों को जो है वो 1846 में पराजित किया था। कब किया था? 1846 में पराजित किया था। क्या आंसर रहेगा? 1846। तो इसका सही आंसर रहेगा 1846 में इन्होंने पराजित किया था। अगला सवाल है 16 मार्च 1846 को अंग्रेजों ने किस राजा के साथ अमृतसर की संधि की थी? तो किस राजा के साथ की थी? राजा गुलाब सिंह के साथ जो है संधि की थी। राजा गुलाब सिंह, इसका सही आंसर रहेगा राजा गुलाब सिंह। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने छोटा दिखाने के लिए इसे क्या कहा? तो इसे छोटा, यानी कि विद्रोह था ये, तो इसको छोटा दिखाने के लिए कि कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए इसको सिपाही विद्रोह कहा था। क्या कहा था? सिपाही विद्रोह कहा था। अगला सवाल है, 1945 में राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, के निवास समर हिल मैनरो बिला में कौन रुके थे? तो मैनरो बिला में जो है सन 1945 में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रुके थे। कौन रुके थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अगला सवाल, शिमला कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित की गई थी? तो ये भी राष्ट्रपति भवन में जो है आयोजित हुई थी, जिसे हम वायसरी गर्ल लॉज भी कहते हैं या राष्ट्रपति भवन भी कहते हैं। ये शिमला में वहां पर आयोजित हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस। अगला सवाल है, उच्च अध्ययन संस्थान, यानी कि जैसे हाई स्टडीज अगर हमें करनी हो तो किस भवन में स्थित है? तो वो भी शिमला के वाइस रीगल लॉज में जो है वो स्थित है। अगला सवाल, कांगड़ा के किस राजा ने जम्मू और कांगड़ा के राजाओं को मुगल सम्राट अकबर की संप्रभुता को विरोध, यानी कि रोकने के लिए संगठित किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा बच्चों, वो है विधि चंद। क्या आंसर रहेगा? विधि चंद। अगला सवाल, 1909 में शासकों के अत्याचार के विरुद्ध मंडी के किस नेता ने आवाज उठाई थी? तो मंडी के किस नेता ने जो है वो आवाज उठाई थी? तो करेक्ट आंसर रहेगा शोभा सिंह। क्या नाम रहेगा? शोभा सिंह जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र 1914-15 के नेतृत्व हुआ था, तो ये किसने किया था? तो ये गदर पार्टी ने जो है इसका नेतृत्व किया था। ये इसका सही आंसर होगा बच्चों। अगला है, लाहौर षड्यंत्र में किसे पकड़ा गया था? तो लाहौर षड्यंत्र में जो है वो किसे पकड़ा गया था? तो वो था हृदय राम। कौन थे? हृदय राम को जो है वो पकड़ा गया था। अगला सवाल है, बिलासपुर में भूमि बंदोबस्त अभियान कब शुरू हुआ? तो बिलासपुर में जो है भूमि बंदोबस्त अभियान जो है वो शुरू हुआ था 1930, सविनय अवज्ञा के आंदोलन के साथ हुआ था सन 1930। अगला सवाल,
13 जुलाई 1939 को शिमला प्रजामंडलों की एक सभा जुब्बल में बुलाई गई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थी भागमल के द्वारा वो की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भागमल सोहठा, ठीक है, भागमल सोहठा के द्वारा जो है ये स्थापना की गई थी, या उनके द्वारा जो है वो अध्यक्षता की गई थी। अगला आ गया धामी गोलीकांड, कई पेपरों में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको परफेक्ट करिए बच्चों। 16 जुलाई 1939 को मैं कितने लोग मरे थे? तो इसमें सिर्फ 2 लोग मरे थे, गोलीकांड हुआ था। कितने मरे थे? 2 मरे थे। हिमालयन रियासती प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? तो ये रियासती प्रजामंडल का गठन जो है वो उसी वक्त हुआ जब धामी गोलीकांड हुआ था, सन 1939 इसका आंसर रहेगा। सिरमौर के प्रजामंडल आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ये थे हमारे चौधरी शेरजंग, डॉक्टर देवेंद्र सिंह और शिवानंद रमौल। तो आपके अगर मन में ये क्वेश्चन सारा हो तो इन तीनों में से एक व्यक्ति का नाम होगा, तीन ऑप्शन जो होंगे गलत होंगे, ये दिमाग में रखिएगा इस टाइप से। नेक्स्ट आता है, सन 1943 में यशवंत सिंह परमार ने सिरमौर एसोसिएशन की स्थापना कहां से की थी? तो उन्होंने की थी दिल्ली से, ये स्थापना की थी कहां से की थी? दिल्ली से स्थापना की थी। अगला सवाल, बघाट के राजा दुर्गा सिंह के नेतृत्व में 26 से 28 प्रजामंडल तथा राजाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था? ये हुआ था सोलन में, प्यारे बच्चों, कहां से हुआ था? सोलन में, इसका सही आंसर सोलन रहेगा। अगला है, हिमालयन प्रांत की कार्यवाहक सरकार का गठन शिवानंद रमौल की अध्यक्षता में कहां पर किया गया था? तो ये भी कहां पर किया गया था? दिल्ली में किया गया था, प्यारे बच्चों, कहां पे किया गया था? दिल्ली में। अगला सवाल, सुकेत के राजा द्वारा भारतीय गणतंत्र में न मिलने पर सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये इसका नेतृत्व किया था पंडित पदम देव। कौन थे? पंडित पदम देव, ये इसका सही आंसर है। अगला है, हिमाचल में की संविधान निर्मात्री विचार विमर्श समिति के सदस्य कौन थे? तो वो थे भागमल सोथा। कौन थे? भागमल सोथा जो थे वो इसके सदस्य थे। नेक्स्ट आता है, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल ने प्रदेश का नाम हिमाचल रखने का विरोध जताया था, तो हिमाचल के स्थान पर किस नाम का सुझाव था? तो वो था हिमालयन प्रांत। क्या नाम रखना चाहते थे हिमाचल का? हिमालयन प्रांत। नेक्स्ट, 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का निर्माण कब हुआ? तो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948। अगला है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर का विलय कब हुआ? इनकी बिलासपुर को कब मिलाया गया था? तो ये छठा जिला बना था, तो ये सन 1954 को जो है वो बिलासपुर को जो है हिमाचल का जिला बनाया गया था। अगला है, या विलय किया गया था, पंजाब के कुछ क्षेत्रों का प्रदेश में विलय कब हुआ? जब यानी कि पंजाब के कुछ क्षेत्र थे तो इन्हें भी मिलाया गया था, जैसे कि कांगड़ा के कुछ क्षेत्र थे, तो सन 1966। तारीख रहेगी 1 नवंबर 1966 को मिलाया गया था। अगला सवाल है, महासु देवता की प्रशंसा में कौन सा गीत गाया जाता है? तो विशु गीत जो है महासु देवता के याद में या उनके लिए जो है वो गाया जाता है प्रशंसा में। अगला है, फुलेच अर्थात फूलों का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो फूलों का त्योहार जो है वो किन्नौर जिले में मनाया जाता है। बच्चों नोट करिएगा, याद रखिएगा, फूलों का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? किन्नौर। लाहौल में दीपावली को क्या कहा जाता है? तो लाहौल स्पीति में जो है यानी कि लाहौल के लोग जो हैं दिवाली को खोजला कहते हैं। क्या कहते हैं? खोजला कहते हैं। अगला सवाल है, निर्मंड का भुंडा उत्सव कितने वर्षों बाद? कई पेपरों में आया हुआ है, भुंडा उत्सव जो है हर 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? 12 वर्षों बाद
मनाया जाता है। भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति सन 1951 में दामोदर दास द्वारा कुल्लू लाई गई थी और कुल्लू के किस राजा ने इसकी स्थापना की थी, तो राजा जगत सिंह जो है वो इसका सही आंसर है, राजा जगत सिंह। त्रिलोकीनाथ, अर्धनारीश्वर, पंचवत्र, भूतनाथ मंदिर ये कौन से जिले में स्थित हैं? तो ये हैं आपके मंडी जिले में, कौन से में है? मंडी जिले में स्थित है। अगला है महिषासुर दर्मनी की मूर्ति जो है वो कहां पर है? वो है जुब्बल हट्टी के हार्ट पोटरी मंदिर में, जहां पर एक बड़ी से पतीले को भी बांध के यानी कि रखा हुआ है, ठीक है जी। अगला सवाल है लक्ष्मणा देवी मंदिर, नरसिंह मंदिर, शक्ति देवी मंदिर, गणेश मंदिर और नंदी और चतुर्मूर्ति कहां पर स्थित हैं? ये सभी भरमौर और चंबा जिले में स्थित हैं। भरमौर मतलब चंबा का ही एक शहर। अगला है त्रिपुरा मंदिर या को की मूर्ति कहां पर स्थित है? तो त्रिपुरा मंदिर की जो माता की जो मूर्ति है वो है कुल्लू में स्थित है। कहां पर है बच्चों? कुल्लू में स्थित है। अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा शैली की पहाड़ी लघु चित्रकला किसकी देन है? तो शेऊ की है। किसकी है? शेऊ वंशज की, शेऊ वंशज की। नेक्स्ट आता है गुलेर दरबार में लघु चित्रकला को किसने प्रारंभ किया था? तो वो था मनुक और नैनसुक। मनुक और नैनसुक ने जो है ये चित्रकला को जो है प्रारंभ किया था। अगला सवाल है फाटू और पद्मा प्रसिद्ध कलाकार किसके दरबार में थे? तो ये थे संसार चंद के दरबार में। नेक्स्ट आ जाता है किस समय काल में हिमाचली चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, देखिए किस वक्त को जो है बहुत ज्यादा हिमाचली चित्रकला का जो है वो फेमस हुई थी, वो हुई थी 1750 से लेकर 1850 तक, 1750 से लेकर 1850 के बीच में। अगला है चंबा में पहाड़ी लघु चित्रकला के विकास में किस राजा के कार्यकाल में हुआ था? तो राजा पृथ्वी सिंह। किसके कार्यकाल में हुआ था बच्चों? राजा पृथ्वी सिंह के कार्यकाल में जो है चित्रकला बहुत ज्यादा विख्यात हुई। अगला है विक्टोरिया एल्बर्ट संग्रहालय लंदन में चंबा के किस शासक का चित्र सुरक्षित है? तो राजा उग्रसेन का जो है चित्र जो है वो उन्होंने अपने पास संजोया रखा हुआ है। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब हुई? पहले भी कल भी आया था नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, तो 1908 में भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो है चंबा जिले में, ठीक है जी। अगला सवाल है कुल्लू के नगर में रॉरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2012 में। कब हुई थी? 2012। अगला है शोभा सिंह आर्ट संग्रहालय कहां पर है? तो ये है कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में, कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी। अगला सवाल प्रक्षेणी और नट्स रंभ और चेरी क्या है? तो ये एकल नृत्य है, नृत्य करने के लिए के जो है वो नाम से पुकारा जाता है एकल नृत्य। पतझड़ की फसल की कटाई पर कुल्लू में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो काठी नाच जो है वो नृत्य जो है पतझड़ के समय में जो है कटाई के समय किया जाता है। अगला आ गया बूढ़ा नृत्य किसे कहां पर प्रसिद्ध है? तो बूढ़ा नृत्य जो है वो है सिरमौर जिले में। कहां पे है? सिरमौर जिले में। अगला है सिरमौर के बूढ़ा नृत्य में किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? तो वो है हुरकी। कौन सा है? हुरकी। क्यांग और वाक्यांग और व्योनांग वो न्यांग्यू क्या है? तो ये भी किन्नौर के जो हैं लोक नृत्य हैं प्यारे बच्चों। क्या है? लोक नृत्य हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है विशु नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो विशु जो है वो सिरमौर और शिमला के ऊपरी पहाड़ी इलाकों का है, ठीक है, ऊपर के
इलाकों का है बिसु। और लास्ट है मंजूरा, एकल नृत्य कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी शिमला और सिरमौर से ही जुड़ा हुआ है। तो ये थे हमारे पूरे 500 सवाल जिनका हमने आज आपको 500 तक का कवर किया है। इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चंस आपको मैं लेकर आऊंगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी चैनल पे, और इसी वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। दोबारा से मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।